अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कोई मॉर्निंग्स अच्छी होती हैं, कोई मॉर्निंग्स सही होती हैं, कोई मॉर्निंग्स ऐसी होती हैं, कोई तारीख ऐसी होती है जो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंचा देती है, और आज की तारीख है ही कुछ ऐसी। कहते हैं ना कि आप जब तकलीफ़ में होते हैं, आप जब दुख में होते हैं, तो आपका कोई अपना ही ऐसा होता है जिसने आपको तकलीफ़ पहुँचाई होती है। ज़ाहिर जो अजनबी होते हैं उनकी तकलीफ़ से आपको क्या लेना देना। जो आपके अपने होते हैं वो आपके अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, वो आपकी औलाद भी हो सकती है, वो आपका शौहर भी हो सकता है, वो आपके कोई भी दूर दराज के या करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी आपका कलीग हो सकता है। एक रिश्ता ऐसा है जिससे आपको कोई हार्म कभी भी नहीं पहुँचता। आप भले उसको हार्म पहुँचा सकते हैं, मगर वो रिश्ता चाहे तकलीफ में भी होगा, उसकी ज़बान से कभी भी आपके लिए दिल से कोई बदुआ या कोई बुरी चीज़ नहीं निकलेगी। और वो रिश्ता है आपकी माँ का रिश्ता। माँ का रिश्ता ऐसा होता है जिसको आपको तकलीफ़ भी होती है ना, तो आपकी माँ को पता चलता है सबसे पहले कि आपको कुछ कोई मसला है आपके साथ। आप भूखे होते हैं, जब आप बोल नहीं सकते, आपकी माँ ये जान लेती है। आपको कहीं तकलीफ़ हो रही होती है, आप बता नहीं सकते, आप उस वक्त आपको बताना भी नहीं आता, आपकी माँ पहचान जाती है। आप खुश होते हैं, आप एक्साइटेड होते हैं, आप मोहब्बत में होते हैं, आप प्यार में होते हैं, ये सारी फीलिंग्स का एहसास आपके बाद जो शख्सियत करती है वो आपकी माँ होती है। आज मैं ये माँ और औलाद की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज है 16 दिसंबर, और जब जब ये दिन 16 दिसंबर आता रहेगा, हर साल ये रिपीट होता रहेगा, माँ के दिल को तकलीफ़ पहुँचेगी। उस माँ के दिल को तकलीफ़ इसलिए पहुँचेगी क्योंकि 16 दिसंबर 2014 एक बहुत बुरा साल था हमारे लिए। जो सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हुआ टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें तकरीबन 150 लोग शहीद हुए और उसमें 134 स्टूडेंट्स शहीद हुए, कितने सारी माओं से उनके लखते जिगर छिन गए। आप सोचें, आप बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं उनके फ्यूचर के लिए, और वहाँ से खबर आती है कि आपके बच्चे जो आपके लखते जिगर हैं वो नहीं रहे, तो उस माँ पर क्या बीतेगी। मतलब ऐसा लगता है कि आपके पैरों से किसी ने ज़मीन खींच ली हो, आपके सर से आसमान हट गया हो। तो वो तकलीफ़ का अंदाज़ा ज़ाहिर है, जिन माओं से उनके लखते जिगर छिने हैं वो उस तकलीफ़ की शिद्दत का अंदाज़ा तो लगा सकेगी, लेकिन हम भी लगा सकते हैं क्योंकि हम भी एक माँ हैं। और हर साल 16 दिसंबर को आने वाले कई साल तक, जब तक हमारे दिमाग चल रहे हैं, तब तक हम इस दिन को वही जो हमारी तकलीफ़ उस वक्त थी, वही तकलीफ़ हम आज भी महसूस करें। तो मैं नहीं चाहती कि सुबह सुबह आपको उदास करूं, लेकिन हाँ, अपने बच्चों का ज़िक्र ज़रूर करेंगे हम। बहुत सारी माएँ हैं जो उनकी इतनी सी तकलीफ़ से ये एकदम कांप उठती हैं, हौल जाती हैं, हाथ पांव फुला लेती हैं। चलें हम उनके लिए कुछ कर सकें, और हम अपने उन शहदा के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, और स्पेशली उनकी फैमिलीज़ को, उनके रिश्ते को, उनके रिश्तों को, उनकी माँ को ठंडक बख्शे, सुकून बख्शे। मुझे पता है अभी भी उनकी माँ को सुकून नहीं आया होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो आज भी उसी तरह रो रही होंगी। मैं तो जब सोच रही हूँ तो मेरा दिल ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जब जिसका वो अपनी औलाद होगी, सोचें उनके साथ क्या होगा। तो मैं उन माओं के लिए दुआ गो हूँ कि लम्हा उन्हें सुकून दे, क्योंकि उनके और बच्चे हैं, उन्हें उनके लिए जीना है, उन्हें ज़िंदगी काटनी है, उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि वो अब ज़िंदगी जी नहीं रही, वो ज़िंदगी काट रही हैं। तो एक छोटे से वक्फे के बाद आकर मैं उन माओं के लिए तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन वो माएँ जो अभी अपने बच्चों की छोटी छोटी तकलीफ़ों से तड़प रही हैं, या ख़ुद भी वो रोते हैं तो ख़ुद भी रो रही होती हैं,
चले मैं उनकी तो मदद करूँ, जो कर सकती हूँ वो तो करूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज यहाँ मेरे पास इस वक्त तीन माएँ मौजूद हैं जो कि अपनी आप बीती आपसे शेयर करेंगी, जैसे कि वो नई नई माँ बनी थी। हमसे भी ब्लंडर्स होते हैं भाई, हमने भी बड़ी गलतियाँ की हैं और उन गलतियों से हमने सीखा है। हमने भी बच्चों को गलत दवाइयाँ पिला सकते हैं, हम बच्चों को एक्सपायरी दवाइयाँ भी दे सकते हैं, हम बच्चों को जो नहीं हो रहा वो भी फील करके कुछ गलत कर सकते हैं, गलत मालिश कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमसे भी हुई हैं, सो क्यों ना हम अपनी गलतियाँ और अपनी जो हमने जो सीख हासिल की है अपने इस प्रैक्टिकल माँ बनने से, वो हम आपसे शेयर करें। सो मेरे पास यहाँ मौजूद हैं सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम, जिनको माँ बने हुए कुछ 8-9 साल से ज़्यादा नहीं हुए, 8 साल 8 साल। और फिर हमारे पास है शर्मीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ब्लंडर्स हुए हैं, एक दो नहीं। जो मैं इंट्रो सुन रही थी उसमें आपने कहा हमसे भी ब्लंडर्स, मैंने तो बहुत ब्लंडर्स किए हैं दादा, क्योंकि ऑब्वियसली विद टाइम यू लर्न राइट। तो हालांकि अम्माएं, वी आर 5 सिस्टर्स, आई एम द यंगेस्ट, तो वो बहनों से भी काफी सीखा हुआ था, फिर भी जब आपके ऊपर अपनी पड़ती है ना तो फिर आपको थोड़ा टाइम के साथ समझ आता है। और हमारे पास है सना अस्करी, जो कि मुझे लगता है बहुत हॉलो खौफो अम्मा होंगी। देखा कौन सी जैसी हॉलो खौफो, जैसी उन्होंने एंट्री मारी थी ना, उसके हिसाब से हॉलो खौफो होता है। हाय हाय हाय, ये क्यों रो रहा है, हाय 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 हाय, दूध गिर गया, हाय हाय हाय, दूध उलट दिया, हाय हाय, डकार नहीं आया, वो वाली माँ होगी। मैं सही तुक्का है, बिल्कुल सही तुक्का। इसका बच्चा कहता होगा मम्मा रिलैक्स, लंगजम लंगजम, काम डाउन। अब तो वो ये कहता है कि अम्मा व्हाट इज दिस मॉल 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 मॉल, स्टॉप इट अम्मा। तो अब वो उस लेवल पे आ गया। मैं इतना पैनिक करती हूँ कि यू नो अभी भी करती हूँ कॉल कॉल माँ, आई डू हॉलो खौफो, हॉलो हॉलो हॉलो, मेरी अम्मा शी स्टिल स्टक विद द वर्ड, मेरी अम्मा ये स्लैंग, आई थिंक ये स्लैंग है कोई उर्दू का, मेरी अम्मा ये यूज करती थी मेरे लिए, क्योंकि मैं भी पहले बच्चे में इसी की तरह की थी। पैनिक अटैक्स नहीं, जब वो रोता था तो मैं भी रोती थी कि ये क्यों रो रहा है। जब उसके पेट में दर्द होता था तो मुझे समझ ही नहीं आती थी, और खुद ही अज्यूम कर लेना ना, हाय बेचारा कितनी तकलीफ में, वो तो बोल भी नहीं सकता, अरे पॉटी नहीं आ रही उसको तो रो रहे हम, पॉटी नहीं आ रही ट्रू। मतलब तो वो चीजें, मेरे तो 3 बच्चे हो गए ना, माशाल्लाह तुम आप तीनों से सीनियर हो, आप हम सबसे सीनियर। मेरे तो 2 हैं, एक नायल है और एक मेरी बिल्ली है। उसका भी है, हाय हाय आज इसने पुपू नहीं की, अब क्या होगा, पैनिक कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन, आई गो क्रेजी। आपकी गुफ्तगू की फॉर्म कितनी चेंज हो जाती है, पहले आप स्टाइल, आप खूबसूरती, आप मेकअप की बात करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी जब आप कभी सैलून चले जाएं मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए, तो मैं अक्सर माओं को ना सुनती थी उसका ये उसका वो, तो मैं कहती यार इन खवातीन के पास सिवाय बच्चों के कोई बात नहीं है, बच्चे का लंच बॉक्स है, बच्चे का ये, बच्चे का वो, बच्चे का वो। और जब मैं खुद माँ बनी, अब मैं सोचती हूँ मेरे पास तो कोई बात ही नहीं। You can so relate. आप मैं आपको बताऊँ, अब जो WhatsApp ग्रुप है दोस्तों का, उस पर क्या यार मेरी बच्चे की ग्रीन पॉटी आ रही है, यार मेरे बच्चे की येलो, यार पता नहीं वो क्या पॉटी की बातें हैं, मतलब आप कभी सोच नहीं सकते। एंड आई तो गूगल द कलर्स के आज ऐसा हो गया, अभी क्यों हो गया ऐसा, इस तरह के कलर पे क्या प्रॉब्लम होगी। देखो ये मतलब डॉक्टर, अब गूगल और ये वो बहुत ज्यादा आम हो गई है। जब मैं पहली दफा माँ बनी थी उस वक्त गूगल नहीं होती थी, उस वक्त आपकी अम्मी और आपकी सास होती थी, ठीक है, या आपकी कोई बड़ी बुजुर्ग घर की होती थी जो आपको ये हेल्प आउट, और वो लोग भी भूल गई होती थी क्योंकि उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए ना। अब वो अपनी वाली जमाने की बातें बता, इतनी कंफ्यूजन, कोई पड़ोसी आएगी वो कुछ बताएगी आपको, कोई कुछ, इतनी मतलब परेशान। गूगल जो है फिर आपको थोड़ा बहुत आपको वो हर प्रॉब्लम का बताता है कि आपकी वैसे ही पढ़ के जानी चाहिए। और अब अगर आप गूगल पे कहेंगे ना मेरे सर में दर्द है, तो कहेगा आपको ट्यूमर है, वही तो वर्स्ट पॉसिबल। तो इसलिए भी बहुत चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मेडिकल या मेडिसिन की तरफ जाने से पहले ये थोड़े से घरेलू टोटके तो ये जरा आजमा लेने चाहिए। ये तो और थोड़ा अपना हम इसको गूगल हम गॉगल कह देते हैं, आप ये शो देखिए गॉगल्स, गॉगल, हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं अभी बता रही थी मेकअप रूम में कि एक हफ्ते से मेरा ये जो फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ उसके बाद मैं देख रही थी यूएस ईरान का मैच, और मुझे एकदम से ना हाफ आधे सर में दर्द, मैं को वो माइग्रेन अटैक है शदीद वाला, ये आपके मुँह से भी निकला, मेरे मुँह से भी यही निकला। और मैंने अपनी वो मेडिसिन ली और मैं लेट गई, पूरी रात पूरा दिन वो दर्द रहा। अगले दिन शाम में मैं कहीं अब बस हो गई, मैं डॉक्टर
डॉक्टर के पास गई तो पता चला ब्लड प्रेशर इंतहाई लो, जिसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया, मतलब 60, 45 वो मेरी शकल देख रहा है, उसे मेरी ए देख लेगा, इतना कम कैसे हुआ। और सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे एक 7-Up निमकोल और नमक मिला के दिया, कहते मैं कुछ कर ही नहीं सकता, पहले तो इसको ऊपर लेकर आओ, और मुझे एक हफ्ते अपना सिर्फ ये मेजर करके बताना कि क्योंकि जितनी तेज़ी से नीचे आया उतनी तेज़ी से हिट भी कर सकता है ये। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं माइग्रेन की दवा भी खा के सो गई, और मैंने एक पल को नहीं सोचा कि मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ घर के कामों में, इसमें मेरा पानी की मिकदार कम हुई, मेरे पास मैंने नमकियात प्रॉपर नहीं ली, मैंने मीठा खाना छोड़ा हुआ है, तो कैसे शुगर लेवल आपका डाउन हुआ। तो कुछ चीज़ें ना ज़रूर अपने पे ऑब्जर्वेशन अपनी रखनी चाहिए, ये मुझे भी तो रखे बच्चों की बात करें, हम बच्चों की तो ऑब्जर्वेशन रखते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा हम पर गलतियाँ तो सबसे आई रिमेम्बर मैं अपनी बेटी के जब यू नो ऑन एंड ऑफ बच्चों को कभी वायरल हो रहा है कभी, तो जब बहुत छोटी थी तब मैं डॉक्टर मोहसिन होते थे मिड ईस्ट में, अब तो उनका इंतकाल हो गया, उनके पास लेके गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो जब माँ बन जाते हैं ना तो आप हर चीज पे डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते। बिल्कुल, बिकमिंग अ मदर इज ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू डील विद दीस स्मॉल सिचुएशंस। थोड़ा सा खांसी हो गई, थोड़ा सा नजला हो गया, थोड़ा सा बुखार हो गया, पहले उसे घर में ट्रीट करने की कोशिश करो। अगर लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या ज्यादा वर्स की तरफ जा रही है, फिर डॉक्टर के पास आओ, वरना माएँ अक्सर नहीं बल्कि अमूमन घर में बच्चों को आराम से डील कर लेती हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लोगों ने अपने घरों में सीखा हुआ होता है वो ही अपनी अम्माओं से। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपनी गलतियों से। वी आर लकी कि मुझे तो ज़ुबैदा आपा की तरफ से इतना सुकून मिला था, यकीन मानो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मतलब मैं जर्मनी में थी जब मीरा हुई थी, तो मैं छोटी छोटी सी बात पर उन्हें फोन करके पूछ लेती थी, वो व्हाट्सएप नहीं यूज करती थी तो उनको डायरेक्ट कॉल ही करनी पड़ती थी, और इतने तहम्मुल से वो जवाब दे के वो चीजों को समझाते थे ना, तो मैं हमेशा जब भी कुछ चीजें सोचती हूँ कि तू मेरे बॉस साथ। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अपनी गलतियों से। ठीक है, अब मैं मुझे जो अपने पहले बच्चे की गलती याद है, तीसरे में तो मैं ऐसी थी कि मुझसे आप एक्सपर्ट आप मुझसे पूछ ले सकते हैं, आप मुझसे पूछे। सो माशाल्लाह तीसरे में तो मैं बिल्कुल ऐसे पक्की हो चुकी, पक्की माँ बन चुकी। जो पहले बच्चे में मैंने गलती की, जब मेरे बच्चे की पहली सर्दी आई, उसे शदीद तेज बुखार चढ़ा, और मैंने क्या गलती की, मैंने उस बुखार में उसको और कवर कर दिया, उसको मोजे भी पहना दिए, जूते भी पहना दिए, गर्म कपड़े भी पहना दिए, टोपी भी पहना दी शदीद, और उसका फीवर और एक्सीड कर लिया। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जब हमारे फैमिली में डॉक्टर्स हैं, यानी यासिर के भाई डॉक्टर हैं, यासिर की भाभी डॉक्टर हैं, तो अब जब सबसे पहले तो यही होता है कि जब आपकी इमीडिएट फैमिली में कोई डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास नॉर्मल जाने से आप फैमिली, खैर हमने उनको फोन किया, वो हमारे घर आए, जो इतना शदीद बुखार चढ़ गया भाई, इतने से बच्चे को 10 महीने का था वो, उन्होंने कहा ये क्या किया भाभी आपने, तो इसको और ज्यादा इसको पहना उड़ा दिया। सबसे पहले तो आप इसका टेम्परेचर नॉर्मल करें, उन्होंने मोजे उतारे, टोपी उतारी है, वो फिर ठंडी पट्टियां या जो भी ऐसी चीजें वो नॉर्मल पट्टियां नॉर्मल रख करके उसका फीवर नॉर्मल करके, फिर सेकंड था कि हम डॉक्टर के पास जाएं या कुछ और, और वो हम गए थे, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। एग्जैक्टली यही मेरे साथ हुआ था कि जब मीरव को पहली दफा बुखार हुआ और हम जर्मनी में थे, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ, कि तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर इतना शदीद है अदनान काम पर, मेरे को यार ठंड है, अच्छा मैं हीटर क्योंकि बंद रखती हूँ, मैंने हीटर भी ऑन कर दिया, मीरव को कपड़े भी पहनाने शुरू कर दिए, उफ अब मेरे को वो, और जब मैं टेम्परेचर चेक करूँ 37-38, मैं फिर अदनान को, मैंने कहा अदनान ये तो ये 102 तक चला गया है, और ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मुझे मैंने फ़ोन किया पाकिस्तान, मैंने कहा यार मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ, जब तक अदनान पहुँचेंगे मैं डॉक्टर तक जाऊँगी, तो फिर मुझे यहाँ से बताया गया कि सबसे पहले तो उसको कपड़े उतारो और उसको जितना नॉर्मल पानी है, ठंडा नहीं नॉर्मल, उसको नहलाना शुरू करो, सर पे नहीं पानी डालना, जिस्म पे पानी डालो, उसके पैरों को गीला करो। और मैं मीरव को लेकर, मुझे आज भी याद है कि मैं बेसन पे खड़ी थी और मैं उसके पाँव धुला रही हूँ, और जैसे जैसे मैं धुला रही हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मीरव को ना कभी भी शायद नहीं होता, उसको फिट्स मेरी वजह से हुआ, मुझे इतना, मुझे आज भी मैं 104 बुखार उसके सर पे चढ़ गया जाके, और मैंने मोजे और टोपी पहना दी थी। उन्होंने, अब मैंने सीखा है कि अगर आपके बच्चे को कभी भी बुखार हो तो आप तलवों पे ना सिर्फ हल्की सी विक्स लगा के मोजा पहना दे, पूरा जिस्म खाली रखे उसका, कुछ नहीं करना, बुखार खुद ब खुद कम होना शुरू होता है।
सबसे मजे की चीज है कि आप बच्चों के तरवे पे ना टैल्कम पाउडर लगा दो, ठंडा वाला करें, कोई सा भी टैल्कम पाउडर, प्रिकली हीट वाला तो नहीं, रेगुलर टैल्कम पाउडर, वो बुखार रिड्यूस करता है आपको। वाह यार, अब देखे ना। दूसरी चीज ये कि आप फॉरन अगर बच्चे को ज्यादा तेज बुखार है तो आप उसकी बम बम वॉश करा दें। बिल्कुल, जो मैंने अभी बताया, ये अच्छी टिप है, बहुत आप सही कह रही हूँ। मैं भी यही कहने वाली थी कि हम बच्चों के सर पे शायद इतनी पट्टियाँ ठंडी नहीं रख सकते, वो रोते हैं, तो एक तो पैर, एक तो सादिया ने इन्फॉर्मेशन दी पैर वाली चीज, वही वही और उनकी उनकी पिशी पॉटी जो है वो आप फौरन धुलाना शुरू करें, आप बेसन में ले जाए और नॉर्मल पानी थोड़ा ऐसे रखे और उल्टा रखे, छोटा बच्चा तो उल्टा ही ऐसे हाथ में आता है। मैंने क्या किया था, आप लोग तो विंटर्स की बात कर रहे हैं, मेरा बेटा हुआ जुलाई में पैदा, उसको बुखार नहीं चढ़ा, लेकिन सबने कहा बच्चे को इतनी ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है, मैंने उसको इतने सारे कपड़े पहना दिए, उसके पूरे जिस्म में घमौलियां नहीं होती, गर्मी दाने मुंह से लेके पूरी बॉडी तक। फिर मैं डॉक्टर के पास भागी, वो कहती है पागल वागल है क्या, मैंने कहा नहीं, कहती है आपको किसने कहा इस बच्चे को इतना कवर करें, इसको निकालें, इवन वो रैप में ना रखे, इतनी सड़ी हुई गर्मी है, जब आपको लग रही है तो बच्चे को भी उतनी गर्मी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज सो सेंसलेस कि हम बच्चे को जुलाई की गर्मी में भी ना बांध के रख दें। जो बाकी जो गर्मी के बच्चे हैं उनको माए हर वक्त डायपर्स पहना के रखती हैं, रैशेस में इतनी कोई तकलीफ में तड़पते हैं, एग्जैक्टली भाई वो लंगोट होती है, पैसे बचाती हैं कि भाई डायपर्स तो महंगे हैं ना यार, तो आप बार बार दो डायपर्स पूरे दिन चलाती हैं, उसकी वजह से उनके बच्चों के जो रैशेस होते हैं ना वो सो सकते ना वो सही से खाते पीते, क्योंकि तकलीफ है। नहीं भाई, नैपी फ्री टाइम बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, छोड़ना पड़ता है, जस्ट टेक ऑफ द नैपी और वो जो आप डायपर होते वो क्या कहते हैं लंगोट होते हैं, तुम क्या कह रही थी? मैं उसकी बात कर रही थी, जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो समर बेबीज भी होते हैं, आई फील कि सिर्फ अगर उनका चेस्ट कवर्ड होना तो देयर गुड, आप सर और पैर ना कवर किया करें न्यू बॉर्न बेबीज के, आई फील उससे जो है तबियत खराब होती है। गर्मी में सर्दियों में भी मैं ऑब्वियसली कवर्ड रखती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ओवर स्टफ्ड नहीं रखती थी अपनी बेटी को, बस आई टू मेक श्योर कि चेस्ट पे दो लेयर्स हो, क्योंकि सबसे कमजोर चेस्ट होता है ना, आई फील सबसे ज्यादा ठंड जो पहले लगती है सीने पे लगती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप तुम्हारी इस बात से याद आई मुझे, स्पेशली जो फीडिंग मदर्स हैं बच्चों को, मुझे किसी ने टिप दी थी, मैं मुझे नहीं पता थी है, तो जब मैं अपने बच्चे को फीड कराती थी तो उसके सर पे टोपी होती थी, पैरों में सॉक्स होते थे, मुझे कहा दोनों में से एक चीज खुली रखो, या टोपी हटाओ ताकि हीट यहीं से तो यहीं से निकले ना हीट आपकी। ये एक टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, जो गलती मैंने की वो फिर मैंने दो दफा नहीं, सेम ऐसी ही ये टिप जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि तलवों पे अगर आप वैक्स लगा दें, बच्चे को आपको लग रहा है कि ठंड लगी है, सीना जकड़ा हुआ है, तो उसमें सबसे बेस्ट है कि आप तलवों पे हल्की सी विक्स लगा के मोजे पहनाए, सर पे टोपी नहीं पहनानी, ताकि वहां से जो हीट आ रही है वो आपके कहीं से एग्जिट हो रही है, तो अगर आपने टोपी पहनाई तो फिर मोजे नंगे पैर होना चाहिए बच्चा, तो ये कुछ चीजें अब हमने कहीं जाके सीखी हैं। एक और टिप अगर आप कहें तो मैं अभी सेगमेंट में जाएंगे तो वहां हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। गलतियां तो एक चीज और रैशेज वाली ना, तो वो मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि वहां के वेदर से जब हम यहाँ आए तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो मैं मीरब को बहुत ज्यादा पैम्पर्स में नहीं रखती थी, अच्छा। लेकिन यहाँ आके क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, ये कर रहा, तो वो मीरब पैम्पर ज्यादा उसने डायपर्स पहने, पैम्पर्स पहने, तो उससे क्या हुआ कि वो मीरब को रैशेस पड़ गए, और वो जो मेरी बच्ची की स्किन थी ना, मतलब वो मैं इतना मेरी वजह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, तो वो मुझे आज भी एहसास होता है। सादिया सबको हाँ, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें जब तक माँ नहीं बनते इसका कोई कोर्स ही नहीं है, कहते ना आप खाना पकाने का कोर्स कर लें शादी से पहले, फलानी चीज का सिलाई कढ़ाई का कर लें, सही बात है, बच्चों को संभालने का कोई कोर्स है ही नहीं। आपको बता दूं ना, मेरी पांच चार बड़ी बहनें, उनमें से एक बहन की बेटी को तो मैं लिटरली, क्योंकि आई वॉज इन माई अर्ली टीन, तो बहुत शौक से मैंने संभाला, नहलाना धुलाना, नैपी चेंज करना, फिर भी आपको इट डजंट प्रिपेयर यू फॉर व्हेन यू हैव योर ओन चाइल्ड। एंड आई रिमेंबर जो ब्लंडर्स की बात हो रही है, जो मेरी सबसे पहली जो मिस्टेक हुई थी, मेरी बेटी जब शी वॉज अ फॉसेप बेबी, तो फॉसेप में ये हुआ कि उसको जब फॉसेप यूज किए तो उसके चीक पे एक हल्का सा कट आ गया था, जो कि इतना नजर नहीं आ रहा था, वो एक स्किन ब्रेक हो गई थी बेसिकली उसकी।
तो बच्चे वैसे ही न्यू बॉर्न होते हैं, इतने पिंक होते हैं, वाइट होते हैं, यू कांट रियली टेल के कोई कट लगा हुआ है. उसमें हुआ ये कि सब लोगों ने उसे पकड़ पकड़ के प्यार करना शुरू कर दिया. जब प्यार किया तो न्यू बॉर्न तो इतने सेंसिटिव होते हैं, इम्यूनिटी बिल्कुल होती नहीं है उसको. विद इन टू डेज मैंने देखा उस कट में कुछ कुछ फील हुआ मुझे कि यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है. और विद इन अ डे, विद इन अ फ्यू आवर्स उसका जो रैश पूरे जिस्म पे फैला है, तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये दिस इज समथिंग सीरियस. तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने ये कहा कि आपको, वो डॉक्टर की भी गलती थी क्योंकि पीडियाट्रिशियन को आपको बताना चाहिए कि अगर इस तरह से कट है तो आपको उसको बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है. आई वाज मतलब मुझे तो नहीं पता था ना कि क्या चीज है. मुझे अगर माए बोलती भी है ना रिश्तेदारों को कि मैं बच्चे के मुंह पे प्यार ना करना, तो कहते कितनी मगरूर है, कैसी बच्चे लोग बुरा मानते हैं, बहुत बुरा मानते. आप कैसे कहें कि अभी आप डिलीवरी रूम से आए, नहीं नहीं मेरे बच्चे को नहीं आप हाथ लगाएं. तो डॉक्टर्स का काम होता है कि उधर उस वक्त रोक. एग्जैक्टली. तो फिर उन्होंने बताया कि अगर ऐसे कोई कट्स हों जैसे फॉरसेप बच्चों के होते हैं, फौरन वैसलीन लगानी चाहिए उन पे. एक बैरियर आ जाता है स्किन के ऊपर ताकि कोई पेनिट्रेट ना करे उस स्किन को. कोई मेडिसिन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऑइंटमेंट मेडिकेटेड लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसलीन. वो आपका बच्चे का बहुत अच्छा बैरियर बन जाता है. लेकिन क्योंकि वो तो इन्फेक्शन डेवलप हो गया था, उसके लिए मुझे अपने न्यू बॉर्न बच्चे को प्रॉपर मेडिकेशन देनी पड़ी. दैट ब्रोक मी डाउन एंड आई थिंक वो था मेरा स्टार्ट पोस्टमार्टम डिप्रेशन का, जो उसकी वजह से मैं द नेक्स्ट 3 months इतना मैंने सफर किया. इट हिट मी सो हार्ड कि अभी मेरा बच्चा हुआ है और अभी उसको मेडिकेशन इतनी सीवियर पे. दैट वाज माय बिगेस्ट ब्लंडर. एंड आई क्योंकि उस वक्त तो वैसे ही बेबी ब्लूज होते हैं. एग्जैक्टली. कुछ नहीं भी हो और जब ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ हो जाए तो वो ट्रिगर होता है, धक्का लगता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मेरे बच्चे मुझे बहुत होते हैं, बड़ी हेल्दी पैदा हुई थी, 9.5 pounds की बच्ची थी वो, तो ब्लू बबू ऐसे मास्टर्स के लटके लटके रहते थे. तो वहां तो खैर डॉक्टर्स बड़ा वो रखते हैं कि उससे भाई माँ के वो कोई बाप को भी नहीं देते भाई, तो कहते हैं नो 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 अभी बनी, हम सिर्फ माँ के साथ ही उसमें रहना. तो वो बड़बड़ा जो मैं एक्चुअली अपनी गलती भी आपको साथ साथ बताई ना रैशेज वाली, उसको मैं बता भी दूँ कि उसको मैंने फिर ठीक कैसे किया था. उन रैशेज में जो मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाया. जुबैदा अपन ने मुझसे कहा कच्चा दूध लो, कच्चा दूध सिर्फ उसके बेटे स्किन पे लगाती रहना और कुछ नहीं लगाना. थोड़ी थोड़ी देर में कच्चा दूध उसको लगाओ और फिर धुला देना, जैसे वो खुद ही खुश्क हो जाता फिर धुला दो, फिर कच्चा दूध. अच्छा कच्चा दूध वही जैसे दूध उबला हुआ, बगैर उबला हुआ कच्चा दूध. लेकिन वहाँ पे तो आपको पैस्चराइज्ड मिल्क मिला होगा. वो तो पैस्चराइज्ड नहीं, वो तो यहाँ हुआ था ना, पाकिस्तान में आके था, वहाँ तो हुई नहीं थी. तो यहाँ मैंने उनसे जब पूछा, मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कोई कह रहा है कॉर्नफ्लावर डाल दो, कोई कह रहा है कुछ डाल दो. मैंने कहा भाई तो कट जाएगी स्किन, मतलब खुद भी तो कोई कॉमन सेंस माँ के अंदर होती है ना. तो फिर बट बहुत लोग कहते हैं इट वर्क्स, तो मुझे ना डर लगा. फिर मैंने जुबैदा आपा को फोन किया, मैंने कहा यार ऐसा हो गया आपा, मुझे कहते कुछ नहीं करो बेटे, सिर्फ कच्चा दूध लेके बगैर उबाले उस करो, थोड़ी थोड़ी देर में उसकी स्किन में आया. यकीन माने वो जो सुबह में जिस तकलीफ में थी उसको देख के, वो शाम तक मेरी जो रिलीफ था ना मुझे बहुत जबरदस्त था. मैं पर ये कॉर्नफ्लावर भी बहुत अच्छा करता है. हां क्योंकि मैंने ये यूज किया है कॉर्नफ्लावर. हां वैसे तो सूडो क्रीम मैंने नहीं आज तक किया. जन्नत है सूडो क्रीम इज सो गुड. कमाल. लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये इट वाज एक्चुअली वन ऑफ द टिप्स दैट आई वाज अबाउट टू डिस्कस विद यू गाइस टुडे. मेरी अम्मी ने मुझे ये बताया था जो कि मैं बिलीव नहीं करती थी कि अगर बच्चा जैसे नैपीज में होता है ना, तो आप रैशेस तक पहुंचने का वेट ही ना करें. आप हर नैपी चेंज में ऑलिव ऑयल. उसके बाद आपने उनको पैड ड्राई किया बेबी को, और फिर मैं रखती थी या तो आप कॉटन खरीद लें, उसकी बॉल्स खुद बना लें. मैं कॉटन बॉल्स देके रखती थी और एक छोटे कंटेनर में उसकी चेंजिंग टेबल पर ऑलिव ऑयल. मैं उसको कॉटन से ऑलिव ऑयल लगा के फिर नैपी पहनाती थी. उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी बेटी को कभी भी रैश रही है, स्किन प्रोटेक्टेड रहती है. अच्छा छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुम लोग गलतियां भी बताना और जिस तरह टिप गलतियों से ही हमने सीखा है और जो हमने अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उस एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम आज आपको यहाँ 4 माएँ गाइडलाइंस दे रही हैं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हम चारों अभी आपको अपनी गलतियां बता रहे हैं और उससे आपको बता रहे हैं कि आप क्या
आप क्यों ऐसी गलती ना करें। अब पांचवी भी माँ शामिल हो गई हमारे पास है ना, अनीस हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी? लोग यकीन नहीं करेंगे लेकिन माशाल्लाह आपको भी बच्चों के साथ लाइक बच्चे पैदा किए हुए जमाना हो गया। बिल्कुल ऐसा ही, लोग नहीं यकीन करेंगे। जब खुद बच्ची थी जब बच्चे भी पैदा करे और ये सारे टोटके उस वक्त अम्मी बताती थी और उस वक्त यकीन भी नहीं आता था। उसके बाद जब ग्रेजुअली पढ़ाई की तो आज सबको कहते हैं ना कि एविडेंस दे दे के बताती हूँ कि मैंने भी यही सब कुछ किया है जो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। यकीन दिलाना पड़ता है लोगों को। अच्छा देखिए, हम अभी ना हम चारों गलतियाँ शेयर कर रहे थे आपके आने से पहले। आपसे कुछ गलतियाँ हुई बच्चों को शुरू में लेकर? कुछ इतनी गलतियाँ हुई हैं कि बयान नहीं कर सकती। मुझसे तो कहते हैं ना कि डिलीवरी वाले वक्त जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ, जब वो लेबर रूम से मेरे पास लेकर आई ना नर्स के, देखे माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है। मैंने उसको ऐसे देखा, उनका इतने बड़े होठ है, ये मेरा बेटा है, लेके जाए इसे, मुझे नहीं चाहिए। ब्यूटी कॉन्शियस माँ। इतना मुझे दर्द हो रहा है, पहले मुझे तो रिलैक्स करें, जाए जाए जाए। यानी मैंने अपने बच्चे को रिफ्यूज कर दिया था और मैं अपना दर्द लेके बैठी थी, रो रही थी। यानी पूरी शाम तक मैंने उसको देखा ही नहीं था। और ये सारी बातें मेरे बेटे को पता है। एक बात कहूँ, यू नो कहते हैं कि माँ को देखते ही अपने बच्चे को प्यार आ जाता है, नहीं फर्स्ट बच्चे पे नहीं आता, बिकॉज़ यू नो यू सो न्यू टू इट। आपकी फॉरेन बॉन्डिंग मुझे लगता है, आई डोंट नो, मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर समटाइम आपकी चीज अलग होती है। ये बिल्कुल सही बात है। और पता है क्या, माय हस्बैंड फॉरेन कनेक्शन नहीं होता, ऐसा हुआ हमारे कनेक्शन की बात नहीं होती। देखो जब आप पहली दफा लेबर पेन्स होते हैं और वो सारी चीजें, एक नया एक्सपीरियंस आपकी बॉडी, यस टूट फूट होती है तो जाके बच्चा पैदा होता है, कितनी तकलीफ, हड्डियां टूटने के बराबर वाली पेन है। तो उस वक्त आपको और स्पेशली जब आप यंग एज में बच्चा करते हैं तो आप अपने आप को देखें कि बच्चे को देखें, आपको नहीं समझ आता क्या होता है। बच्चा क्या, मेरे साथ जो हुआ था वो तो मैं बिल्कुल, मैं और अदनान थे अकेले। मतलब आप सोचें जर्मनी में हम अकेले, अदनान मुझे छोड़ के गए हैं। जिस जो डेट थी मेरी 29th August, मैंने कदम रखा है एंड मेरा वाटर बैग बर्स्ट हो गया, तो मुझे तो समझ ही नहीं आई ना कि जब मैं गई तो वो, अब अदनान चले गए कि डॉक्टर ने कहा भी नहीं अभी तो हम टाइम लेंगे, बिकॉज आपको पता है जर्मनी में ऑपरेशन वगैरह तो सवाल ही नहीं होता, नॉर्मल बच्चा। और मैं भी मेंटली तैयार, बहुत दुआएं मैं लिख के लेके गई थी कि मुझे नॉर्मल चाहिए करना है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा नहीं जी बेटी, बच्चे की हार्ट बीट जा रही है, अब हमें, अब अदनान है नहीं, मैं अकेली, जबान मुझे समझ नहीं आ रही। वो मुझसे कह रहा कि आप साइन करें, मैं उससे कह रही हूँ कॉल माय मैन, कॉल माय हस्बैंड, वो कह रही है आई डोंट नो वेयर इज ही, जितनी अंग्रेजी उसका, मतलब वो इतना पैनिक था ना उसका। खैर अदनान पहुंचे, मैं आप सोचे मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ और वो मुझे जो जिसका मुझे सबसे बड़ा वो था कि अदनान अगर उस वक्त आ जाते और उनसे डिस्कस करते तो मुझे वो इंजेक्शन नहीं लगता, लेकिन वो लग गया। आप तो गई सारी कहानी और अदनान को मैं सिर्फ घूर रही जिस वक्त वो एंटर हुए और मैं कही वक्त गुजर गया, मतलब क्या कह सकते हूँ मैं। अब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ना उस वक्त हम दोनों ने अकेले हैंडल करी थी। हमें समझ ही नहीं, अदनान रोए जा रहे थे, मैं भी रो रही थी कि हम खुश हैं कि हमें तकलीफ में हुई, मैं खुश हूँ। तो वो तो खुशी में रो रहे थे, वो कह रहे अजान अजान, अदनान को अजान ही नहीं याद आ रही। मतलब एक आप सोचे ना, वो आप पहला एक्सपीरियंस लाइफ का कि क्या होता है। तो शुक्र है कि एक डॉक्टर ईरानी था हमारा जो, वो बहुत, तो बाहर जब आप होते हैं और इस तरह आपकी फैमिली ना सपोर्ट हो तो मैं कहती हूँ कि वो वर्स्ट सिचुएशन होती है। बड़ी नेमत फैमिली। अच्छा मैं ये कहना चाह रही थी कि नॉट जस्ट द मदर, मुझे याद है जब नायर पैदा हुआ तो रात को मेरा हस्बैंड मुझे कहता है यार सना माइंड ना करना, लेकिन वो कहते हैं ना वो बाप वाली फीलिंग मुझे वो अभी तक आ रही है। मैंने कहा या या यू गोना टेक टाइम, यू नो वो हर चीज फौरन थोड़ी होती, यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट्स जस्ट अ न्यू थिंग इन योर लाइफ, बट आई डोंट नो। उसके बाद ऐसी फीलिंग होती है कि बस मेरी चीज, मेरी या 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 इनसिक्योरिटी, मेरा तो ये था बस प्यार ना करो। अच्छा प्यार ना करो, मैं इसका नाम रखूंगी, मैं मतलब ऐसी चीज होती है
जो कि शायद अगर एक समझदार लड़की हो और उसके बच्चा हो तो वो ये हरकतें ना करे जो कि हमने की. अब मुझे हंसी आती है अपने पहले वाले बच्चे. हाँ, बहुत पजेसिव हो जाते हैं बच्चे के लिए. मैं तो आपने की ये गलती कि आपने कह दिया कि जाओ अभी मुझे बहुत तकलीफ है. भाई मैं सोती क्योंकि मुझे इतना डराया गया था कि लेबर पेन ऐसे होंगे. फिर पूरी बॉडी इतनी, मैंने वेट गेन तो फर्स्ट बेबी में तो नहीं किया था. फिर बॉडी इतने अजीब सी हो रही थी, नींद पूरी नहीं हो रही थी. जब बॉर्न हो गया मैंने कहा अब मैं सोऊंगी, अब मुझे कोई नहीं उठाएगा. अम्मी ने गारंटी ली हुई थी कि ये बच्चा मैंने संभालना है. आपकी अलाओ ने जी या मदर इन लॉ? अम्मी ने. अच्छा. मेरी अम्मी ने. मैंने कहा ओके दिस इज योर बेबी, आपने संभालना है, आपने गारंटी ली थी. मैंने सबको बिठाया, अपनी खालाओं को कहा, आप सब ने कहा था ना ये बच्चा आप लोगों ने संभालना है, संभालें. कब तक संभालना है? उस रात? उस रात नहीं, इस बच्चे को आपने ओवरऑल बड़ा करके देना है. ओह माय गॉड, हाउ मैं स्टडी करूंगी, मैं नहीं संभालूंगी. मेरे हस्बैंड ने कहा ओके. मेरे अम्मी से भी कहा देखें ये ऐसी बातें करेगी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई उस वक्त मैं बहुत नाराज थी, सबसे नाराज थी. पढ़ रही थी ना, वो पढ़ रही थी तो स्टडी आपका फोकस ही नहीं था, प्लानिंग नहीं थी. अलग माइंडसेट की थी मैं, माँ वाली थी ही नहीं ना. ये सब बातें मेरे बेटे को पता है. अभी जब मेरा बेटा US था और मेरे ब्रदर इन लॉ ने उससे कहा कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरे बेटे ने एक बात कही कि मेरी मामा उस एज में मदर बन गई थी कि जिस एज में मेरी अगर गर्लफ्रेंड है तो देर इज नो, आई मीन कोई इतने इतना हार्म नहीं है, तो कोई ऐसी मसला नहीं है कि अगर मैं अंडर एज हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है तो कोई बात नहीं अंकल. तो ये एक नया जो जनरेशन है हमारी, तो वो ऐसे अपनी मदर्स के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी भी है. एंड आई एम प्राउड ऑफ इट ना, कि जो मैंने अपने बचपन में गलतियाँ कर भी दी तो आज मैं ऑन स्क्रीन ये कह रही हूँ कि मैंने उस वक्त ये तमाम बातें की और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया. मेरी इस मासूमियत को कह लें, बचपने को कह लें, ये तमाम बातें. एक आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब आप यंग होते हैं आप पत्नी क्या 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 कह क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, तो अगर वही बात ताना बना के आपको सारी जिंदगी ये सुनना पड़े. तुम्हारी माँ तो ये कह रही थी नहीं, नहीं, कि तुम वो तो अपने में लगी थी. और कभी कभार मदर इन लॉज भी होते हैं, जैसे अगर आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आपको बेबी ब्लूज होते हैं, बच्चे के सवा महीने तक ये मेडिकली प्रूवन है कि आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपको डिप्रेशन होता है. अक्सर सासें बहुओं को ये कहती हैं कि हमने भी तो किए देते बच्चे, तुम कौन सी नहीं पैदा हो गई. सो उस वक्त उसको एग्रीवेट करते हैं ये उसका जो डिप्रेशन है. अग्री करते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि आज मैं इस बात को मेडिकली प्रूव कर सकती हूँ कि जो एक अरसे पहले जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो वो एक बेबी ब्लूज भी थे, पोस्टपार्टम डिलीवरी डिप्रेशन भी था. बेबी ब्लूज थोड़े दिन के होते हैं, लेकिन अगर उसको ससुराल वाले या मियां कोई आपको इस तरह डिप्रेस करेगा, ताने देगा, वो एग्रीवेट करके डिप्रेशन में चला जाएगा. मुझे तो आपको टैबलेट्स नहीं दी, एग्रीवेट किया था, मैं तो खुद ही एग्रीवेटेड था. एग्जैक्टली, मैं भी आई डोंट नो व्हाई, नहीं पता कि कहां से ट्रिगर हुई हो तुम. मुझे मेरी अपनी प्रॉब्लम थी, यू नो, आई जस्ट टुक इट टू माय हेड. और मैं तो, मेरा डिप्रेशन वाज लाइक अ ईयर एंड अ हाफ, इट वाज सो लॉन्ग. इट वाजंट अ ईयर एंड अ हाफ फॉर मी, बट मेरा एक साल था. और मेरा भी वही जो मैं अभी आपसे ब्रेक में भी कह रही थी कि मेरे in-laws were gem. हाँ, my in-laws as well. They're amazing people. My mother-in-law was the most supportive woman. लेकिन वो आपके जो hormonal imbalance हो रहा होता है, I think उससे कुछ औरतों में इतना ज़्यादा नहीं होता, कुछ औरतों में बहुत ज़्यादा होता है. और मैं निदा को यही बोल रही थी, मेरा depression actually changed me as a person. उसने मुझे transform कर दिया कि जो मैं अपनी बच्ची से पहले थी, no, some people say for the worse. चेंज कर दिया. जब मैं बच्ची से पहले थी, ज़्यादा सबमिसिव थी, ईजी गोइंग थी, फिर उस डिप्रेशन से जब मैं निकली हूँ ना, तो उसके बाद मेरा ये हो गया था कि अब मैंने किसी को गलत बात टॉलरेंस खत्म हो गई थी. अच्छा, मेरा पैरानोइड बढ़ गया. आई स्टार्टेड गेटिंग पैरानोइड. आई स्टार्टेड यू नो स्टेइंग होम. मैंने बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया है. मतलब मैंने वेट गेन किया था. मैंने वेट भी बहुत गेन किया था. एक वजह ये भी है, मेरी वजह, क्योंकि सबसे मेजर वजह ये थी, सबसे 75 केजी पे चली गई. मी टू, आई वाज 75. एक बहुत बड़ी वजह है जो आप सोशलाइज नहीं कर नहीं. एक और चीज जो होती है वो मैं शायद भूल गई.
हाँ, चलो कोई बात नहीं, याद करो तो बताना। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं, थोड़ी सी टिप्स देना, ठीक है, जो ताकि माओं को फायदा हो। हमने अपने दुखड़े तो रोल, मुझे याद आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी डिप्रेशन की एक रीजन होती है, आई डोंट नो वो ऑनर बुरी लगे कि नहीं, माओ को फीड कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वी डू नॉट हैव, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, आप प्रॉपर, आपको फीड नहीं आ रहा, समझ नहीं आता कराना कैसे है। जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी कि मुझे लग रहा है पेट नहीं भर रहा, कहते थे नहीं नहीं भर गया, वेट गेन सफिशिएंट है, तो भाई ये रो क्यों रही है, वो बच्चा रोता है, बच्चे का तो रोना काम है। और हमें ये नहीं पता था उस वक्त कि यू नो देयर डॉक्टर्स यू नो हु कैन हेल्प यू टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर फीड करा रहे हो, यू नो यहाँ पे पाकिस्तान में इन चीजों की बड़ी प्रॉब्लम है। पता है उसमें ये होता है कि हमें ये नहीं पता चलता बच्चे को गैसेस हो रहे हैं, बच्चे को कॉलिक है, क्योंकि पहले सबसे पहले तो माँ को ये समझना है कि जो आप खा रहे हो वो बच्चे की गिजा है एक्चुअली, उस वक्त जब आप फीड करा रहे हो तो आप हेल्दी खाओगे। अगर आपने चने की दाल या आपने लोबिया खाए में या आपने चने खाए में, आपको यहाँ पे रोकूंगी, गैसेस क्या साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप दाल खाओ या मुझे मुझे डॉक्टर ने जर्मन डॉक्टर ने पूरा बोला। इस चीज को मैं बताती हूँ, ये बहुत ज्यादा, इसको मैं 50-50% लेके चलूंगी, आपको अपनी डाइजेशन का ख्याल रखना है। यहाँ ये बात नहीं है, वही वाली बात है ना कि खाने की बात, आपको कर रहा है ना गैस आपको, हाँ तो मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं आपको अपनी ही प्रॉब्लम बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मैं आपको इसलिए अपने पे रख के बता रही हूँ, मेरी तो प्रॉब्लम थी ये, तो मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी, वहां मैं अकेली खाना बनाती थी तो मुझे चने की दाल गोश्त इजी लगा, जल्दी से बना दिया, आलू गोश्त बना दिया, कभी ये सब्जी डाल दी, अब आपको समझ आई मेरी प्रॉब्लम। मैं आपको बताती हूँ जो मैं खा रही हूँ वो मीरब के साथ हो रहा है, तो वो अब मैं बताऊंगी उसका टोटका क्या, पहले डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं बड़े इसको आसानी से ये बात क्लियर करती हूँ कि ये बात बहुत गलत है, मैं इस चीज को बिल्कुल साइंस भी नहीं मानती कि अगर हम ठंडा पिएंगे तो वो ठंडा एकदम से बच्चे को लग जाएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है जो कि माओं को बिल्कुल डरा दिया जाता है कि अभी तुम नहा के फीड नहीं करवाना या ठंडा नहीं करना या गर्म नहीं, या तुम ये खा रही हो तो बच्चे को फौरन, ऐसा नहीं होता। हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ खराब है तो यस बच्चे की भी होगी, तो वो फूड ग्रुप जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं उनको तो वैसे ही हमें नहीं खाना चाहिए ना, कि अगर हमें ग्लूटेन से एलर्जी है, हमें वो वाला, दालों में वो प्रोटीन होता है जिसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है, तो हमें वो वैसे ही नहीं खाने चाहिए, या उनको डिफरेंट तरीके से पकाके खाना चाहिए, शोरबे वाली चीज़, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर चने और दालें साबुत हमें तंग कर रहे हैं तो उनको आटे की फॉर्म में खा लें, बहुत ज्यादा भिगो के खा लें, उनको सब्जियों के साथ पका के खा लें, अगर वो फिर भी नहीं है तो उनको डाइट से हम बिल्कुल हटा देते हैं, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम डाइट से चलो, तो बच्चे के अलावा है ना, बच्चे के अलावा है जो चीज आपको ट्रिगर करती है, तो वो चीज फैमिली और डीएनए के जरिए आपकी फैमिली में जा रही होती है, तो यहाँ ये बात। अच्छा, जब ये चीज हो गई ना तो अब मैं एक टिप की तरफ आ रही हूँ, तो फिर वो मीरब को ना डेली रात को एक प्रॉब्लम, और मुझे आवाज़ें भी आए, मैं कोई आला ये सो नहीं पा रही, रिलैक्स नहीं हो पा रही, वो नहीं होता। अच्छा, एक हमारी बहुत ही अच्छी कहते हैं ना कम्युनिटी फ्रेंड होती हैं आपकी, अज़रा आप हैं, बहुत इतने अच्छे वो बताती हैं ना, तो इतने तमीज़ से बताती हैं डिटेल में कि आपका ना, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हींग हींग आपने नाम नहीं आता, हींग खिलानी नहीं होती, हींग आपने लगाते हैं नाक के ऊपर, इतनी सी वो गैसेस पास होती है, उसका हाजमा ठीक होता है, आप सोचें कि हमने छोटी सी चीजें यार हींग से क्या होगा, लेकिन मैंने ये मिरेकल होते देखे हैं अभी, तो मुझे अभी भी मैं उनको बहुत थैंक यू सो मच अज़रा। देखो हींग जो है वो अब्सॉर्ब जब पानी में मिला के लगाती हूं, हाजमे की होती है ना, आप नॉर्मल अब्सॉर्ब तो करती है ना, वो आपकी पूरी बॉडी को अब्सॉर्ब करके सारा सिस्टम चला रही है, आप दो नेवल में ड्रॉप, अभी इतना ड्राई ऑयल ऑयल आप ऑयल डालें, आप देखें आपका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी। आपको अगर दाल नहीं हजम होती, आप उसमें हल्की हींग डालें, लाइक आई पुट हींग इन माय दाल, मैं भी हर खाने में हींग डालती हूं, आई लव हींग, इंडियंस बहुत डालते हैं सब्जियों में भी हींग डालते हैं, लेकिन उससे डाइजेशन अच्छा, बहुत अच्छी टिप है, आइए कोई और टिप। अच्छा,
मैं स्टार्ट करूंगी ब्लंडर से. मैंने एक और ब्लंडर ये किया था कि मेरी बेबी बहुत सिवियर कॉलिक थी. तो क्योंकि मैं, मतलब होता है ना कि आपको अपना भी सुकून चाहिए होता है, नींद चाहिए, तो मैंने उसको अपने शोल्डर की आदत डाल दी. क्योंकि मैं अपने शोल्डर पे लेटा के सुलाती थी, वो सो जाती थी क्योंकि वो अपराइट पोजिशन में होती थी, पेट उसका दबा हुआ होता था. एक हफ्ता, चार हफ्ते, एक महीना, दो महीना, जब तीन महीने गुजर गए ना, तो मेरे शोल्डर पे पेन स्टार्ट हो गई. क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली या तो मैं उसे नर्स कर रही होती थी या मैं बैठ के सोती थी. लिटरली मैं बैठ के सोती थी, बेड अपने हेडबोर्ड से टेक लगा के मैं बेड की पोजिशन में कि बस बच्ची ना रोए और वो मेरे शोल्डर पे सोती रहती थी. तो फिर मैं जब बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई, मैंने कहा मैं इसको किस तरह से सुलाऊंगी. अच्छा, फिर उसको कॉलिक तो सबसाइड होना शुरू हो गया, उसको आदत पड़ गई शोल्डर की. वो सोती ही नहीं थी लेट के, बेड पे लिटाया मैंने, जैसे ही उसको लिटाया वो पाँच मिनट में उठ जाती थी. फिर वो ही कंधा. फिर मुझे किसी ने बताया, मेरी आंटी है एक्चुअली, उन्होंने बताया लैवेंडर ऑयल. लैवेंडर ऑयल वॉज अ मिरेकल फॉर मी. तो हालांकि हमारी एक दफ़ा पहले भी डिस्कशन हुआ था, लोग कहते हैं कि रात को बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए. आई डोंट अग्री विद दैट. अगर आप लूक वाटर से, मैं भी लूक वाटर से अगर नहलाएं तो बच्चा बहुत रिलैक्स हो जाता है, अच्छी नींद होता है. उसमें मैंने अपना वो छोटा बेबी टब ले लिया था, पानी भरा लुक वॉर्म, उसमें दो या तीन लैवेंडर ऑयल के ड्रॉप जाते हैं. yes. और उसमें थोड़ा सा उसे सोक किया, पांच मिनट उसको नहलाया, बॉडी शावर, सर ने धुलाया बेशक, उसको बॉडी शावर दिया, अच्छी तरीके से क्लीन किया, कपड़े वपड़े पहनाए, और उसके बाद में मैंने विजिबली देखा डिफरेंस कि मैं उसको लिटाती थी वो सो जाती थी. और फिर वो नेक्स्ट फीड के लिए चार घंटे बाद उठती थी. मैं तो यही वाली बात को मैं सेकंड करूंगी. मेरे भी पहले बच्चे में ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने क्या किया कि उसको सुबह तो मालिश करते थे, मैंने उसको रात को भी हल्की सी मालिश की, उसको ल्यूक वार्म वाटर से नहलाया, इसी तरह लेवेंडर वगैरह लगा के, और मैंने भी उसको बांध के सोलाया. सो वाकई वो सोया ये, क्योंकि जब आप रूटीन, बच्चों को आदत हो जाती है दिन में और अब आप उन्हें उनका सिस्टम चेंज करना है, तो आपको बनाना पड़ता है. इसी तरह फीड के लिए भी माएं बार बार उठती है ना, आपने अपना सिस्टम पहले. मेरी बड़ी बहन ने बताया था कि बेटा लास्ट फीड जिस वक्त करवा रही हो उसके चार घंटे बाद तुमने उठना है, खुद उसको उठा के फीड करा के फिर लिटा देना. उससे पहले अगर तुम उसकी एंड टाइम पे उठ के तुम देखें तुमने उसकी आदत खराब कर दोगी, उसे वही थपकी दो और लपेट. लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूँ ना, फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, पीडियाट्रिशियंस कहते हैं फीड ऑन डिमांड. जब बच्चा डिमांड करे फीड फीड फीड, उसमें तो बच्चे की फिर आदत खराब हो जाती है. आप उसको नहीं होने दिया फीड ऑन डिमांड. मैंने तो ये किया फीड ऑन डिमांड में, तो मैंने तो टाइम रखा हुआ था. छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ. इस सेगमेंट में दो टिप्स आपको मिली, एक आपको मिली हींग पानी के साथ और एक मिली लेवेंडर ऑयल. और तो कोई टिप्स नहीं हमने दी ना. मैंने कहा हम अपनी बातों के अलावा टिप्स कितनी दी हैं. दो दे दी, अभी और भी देंगे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज हमारी अंदर की औरत जाग गई है. अंदर की औरत, अंदर की माँ, जो भी जनानापन है सब जाग चुका है. सुबह सुबह ये वाली बातें होती हैं और सारे आदमी कह रहे होंगे कहाँ फंस गई, क्या निदा कर रही है. तो माजरत प्लीज अपने हस्बैंड से कहें कि, और हमारे इर्द गिर्द भी जितने मर्द हजरात हैं, हमारे कैमरा मैन, हमारे प्रोड्यूसर जो हमारे सुन रहे हैं, हमें जितने भी लोग हैं, माजरत भैया आप लोग. नो बट दे विल टेक बेटर केयर ऑफ देयर वाइफ. यस एग्जैक्टली, प्लीज दैट इज वेरी. मेरी टिप कौन सी वाली दूं, वहां से मैंने हींग पकड़ा, वहां से मैंने कॉलिक पकड़ा. हाँ. तो पहले कॉलिक की दूं, हाँ, या उसकी दूं, जो भी वाली दूं, जो दिल करे. कॉलिक हमारे बच्चे को कॉलिक होता था क्या? नहीं, मेरे बच्चे को कभी कॉलिक, ही वाज नॉट अ कॉलिक बेबी, बिकॉज उसको कभी होने नहीं दिया. अच्छा अच्छा, मैंने इनसे एक मिट्टी की हांडी मांगी थी और ये कोयला है. अच्छा, इसको बिल्कुल आपने जो है ना लाल करना है. ठीक है, लाल करके इसको आपने मिट्टी की हांडी में डालना है. ठीक है, और इस पे हींग. दिस इज अजवाइन. अजवाइन, ठीक है. आपने इसके ऊपर अजवाइन डालनी है और एक लेना है मलमल का कपड़ा या टॉवल, उसकी स्टीम देनी, उसकी आपने धुनी लगानी है और पेट पे बस ये करना है. आपका बच्चा कॉलिक नहीं हो सकता. जबरदस्त, मैं इसको सेकंड करूंगी. मट्टी की जो मटका होता है ना, जो मट्टी का बर्तन, हांडी होती है छोटी हांडी, उसके अंदर दहकता हुआ कोयला रखा, उसके ऊपर अजवाइन छिड़की, इतनी सी चुटकी छिड़की, और उसके अंदर जो धुआं पैदा होगा उसको अपने कपड़े पे, मटकी के अंदर रखी ना, तो उससे भाप निकलेगी, धुनी निकलती है. ला दो कपड़ा, वो जो मटके का मुंह है उसके ऊपर रखा ये कपड़ा, इसको लगी वो गरम गरम भाप, उठाई
और बच्चे के गरम गरम बच्चे के पेट पे सिकाई सिकाई कर टुकाई कहते हैं ना उसको सिकाई सिकाई टुकाई मेरा मियाँ और मैं ये बैठ के करते थे मेरा मियाँ मुझे लंगोट बच्चे के सेम चीज इस्तरी करके देता था और मैं उन लंगोटों को अपने बच्चे के पेट डज वंडर बिल्कुल इट डज आई डोंट लंगोट का क्या काम है हम धुले हुए लंगोट करते थे ये लंगोट से क्या होता है लेकिन इट्स अ मिथ लेकिन ये ना ये मेरी आजमूदा चीज है मेरा बच्चा कभी नहीं हुआ अजवाइन क्या फायदा अजवाइन आपको अजवाइन में वो प्रॉपर्टी है कि आपकी गैसेस रिलीज करती है हाजमे को आपको आपके जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट करती है क्विक करती है तो इस वजह से और अजवाइन में वो ऑयल्स होते हैं अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो अजवाइन के अपने ऑयल्स निकलते हैं बिल्कुल तो क्योंकि अभी हमने ऑयल का कोई जिक्र नहीं करा है तो वो जब हीट पर जाती है ना तो वो अपने ऑयल रिलीज करती है तो स्किन से जब वो अटैच होती है तो कहीं ना कहीं वो ऑयल आते हैं और वो रिलैक्सिंग फॉर्म में आ जाते हैं अच्छा एक टिप मैं यहीं से क्योंकि मैं भूल जाऊंगी जाते हुए जैसे आप बिल्कुल होता है ना खवातीन जब बच्चा पैदा करती हैं तो उसके बाद सवा महीने तक वो रेस्ट करती हैं और उसके बाद उनका पेट कम होना शुरू होता है पेट कम करने के लिए एक मैं मेरी जो खाना पकाने वाली थी वो मुझे अभी थर्ड बेबी में चाय एक बना के देती थी उसमें जीरा होता था उसमें थोड़ी सी अजवाइन होती थी उसमें कलौंजी होती थी ये तीन चीजें मुझे याद और अगर आपको ये लग रही है अजीब सी तो आप उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती भी इसका कहवा बना के मुझे वो रोज पिलाती थी उसकी वजह से मेरा मेरा सारा जो पेट में गंद या सब चीजें थी सब अच्छा मैं ये भी करती थी बिकॉज नाइल को भी लगाती थी और मैं खुद भी सुबह उठ के अजवाइन भाग के थोड़ा सा लूक वार्म पानी पीती मैं भी पी करती हूँ अभी भी करती हूँ तो इससे क्या होता है कि या It does wonders. आपकी constipation खत्म, gases खत्म, आपका जो track है वो आपका intestine clear रहता है, clear करता है, ऐसे ही। इसमें मैं ये पूरा एक अच्छा सा कहवा ही बताने लगी हूँ इस tip में mother के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीजें बताई हैं अभी, और बच्चों से अगर एक छोटी सी चीज शुरू करूँ कि जो बच्चों को अगर top feed mother देती हैं, कुछ mothers मजबूर भी होती हैं, ठीक है ना, तो अगर वो पानी जो कि वार्म करके हम थर्मस में रखते हैं तो अगर जब वो पानी वार्म कर रही हूँ तो थोड़ी सी सौंफ डाल लें सौंफ के साथ वो पानी बॉईल कर लें तो बच्चों को कॉलिक भी नहीं होगी दैट वाज माय नेक्स्ट कॉलिक की हम सब माएं बैठी वेरी गुड सौंफ का पानी तो सौंफ में इतना अच्छा न्यूट्रिएंट होता है कि वो उस पानी के साथ वो टॉप फीड बहुत अच्छा डाइजेस्ट कर लेगा इसके साथ साथ जो अभी आप पेट कम करने का तो उसकी एक बहुत अच्छी चीज उसको फक्की कहते हैं या मॉर्निंग का एक पाउडर एक ऐसा बताती हूँ कि उससे वाकई वेट कम होगा और जो हार्मोन भी डिसबैलेंस हो रहे हैं ना वो भी बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे एक टेबल स्पून सौंफ लेंगे ठीक है 5 से 6 अदद इलायचियाँ लेंगे हम उसमें ठीक है 3 से 4 अदद लौंग लेंगे हम ठीक है ये मैं मदर्स के लिए बता रही हूँ 1 टीस्पून हम उसमें ये ले लेंगे कलौंजी जीरा लेंगे 2 टेबल स्पून ओके ठीक है ये सौंठ है यानी जिसको हम खुश्क अदरक कहते हैं ठीक है ना 1 टेबल स्पून ये लेंगे ठीक है और इसके साथ साथ ये मेरे पास हींग पड़ी हुई थी ये बिल्कुल थोड़ी सी लेंगे 1 टीस्पून ठीक है चुटकी नहीं ये टीस्पून नहीं चुटकी बल्कि एक चुटकी सी मटर के दाने से भी इसको चौथाई हिस्सा कर दें बिल्कुल चुटकी सी आप इसको लेके आप इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकती हैं तो मैंने एक थोड़ी सी क्वांटिटी बताई है इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे इसको एक जार में बनाएंगे और अपने पास रख लेंगे फिर इसमें से 1 टीस्पून लेनी है ये तो मैंने क्वांटिटी बता दी एक क्वांटिटी ठीक है ना ये अभी भी ज्यादा क्वांटिटी रोज 1 टीस्पून एक फक्की की तरह लेनी है ल्यूक वार्म वाटर के साथ अपने एम्प्टी स्टमक लेनी है क्या था सौंफ थी इलायची क्वांटिटी लौंग थी ठीक है 2 टेबल अच्छा 2 टेबल स्पून सौंफ 2 टेबल स्पून जीरा इक्वल क्वांटिटी डन 1 टीस्पून कलौंजी 5 से 6 इलायची 5 से 6 लौंग ठीक है 1 टीस्पून सॉल्ट 1 टीस्पून ये थी 1 टीस्पून हमने हींग ली है 1 पिंच हींग ली है ठीक है ना ये हो गई चीजें इन सबको मिला के पीस एक के आप रख ले पीस के रख ली अब 1 टीस्पून लेनी है 1 कप ल्यूकॉम वाटर के साथ एम्प्टी स्टमक
आपने फिर आपने नाश्ता करना है और तमाम चीज़ें करनी, तो माँ को भी गैसेस नहीं होंगी, बहुत सारी डाइजेस्टिव इश्यूज, ये पूरे 40 डेज तो करने आगे भी कर सकते हैं. तो ये वो टी है या वो आप इसको कह सकते हैं कि आपने शुरू में ही स्टार्ट करना. अगर आपकी प्लानिंग होती है ना तो आपको फिर शायद इतनी प्रॉब्लम्स बेयर नहीं पड़ती. फर्स्ट बच्चे में मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, सेकंड बच्चे में बेहतर हुई चीज, और थर्ड बच्चे में मैं आधी जुबैदा प्रिंसिपल बन गई. हाँ सीरियसली आधी जुबैदा पापा बन चुकी थी, क्योंकि पहले बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई और बहुत, और टांकों में दर्द हुआ, ये वो सारी चीजें. थर्ड बेबी में मुझे बताया गया कि मैंने पूरे 1.25 महीने मैंने क्या किया, उस वक्त खरबूजे का मौसम था, उस वक्त स्ट्रॉबेरीज मिल रही थी, पपीता, क्योंकि पपीते का टेस्ट नहीं अच्छा लगता था, मैंने खरबूजा पपीता और स्ट्रॉबेरी, इन तीनों चीजों को मिला के आधी रात को भी मैं दूध पिलाने वाली होती थी ना, मैं वो पहले खाती थी क्योंकि भूख लगती है आपको, मैं जीरा फांकती थी पानी के साथ, क्योंकि जब आप जीरा फांकते हो तो आपको बहुत अच्छा फील आता है. क्या लॉजिक है इसकी, मुझे नहीं समझ आ. देखिए वही जीरे से आता है और सौंफ से भी आता है, इन दोनों से आता है, सौंफ से ज्यादा आता है जीरे से. कुछ कहते हैं ना कि कुछ लोग सौंफ और जीरा अजवाइन भी करते हैं मिक्स करके. अजवाइन को मैं सेकंड नहीं करूंगी, मैं सौंफ को सबसे ज्यादा सेकंड इसलिए करूंगी क्योंकि जब वेट लॉस करने के लिए मदर्स बहुत ज्यादा ग्रीन टी पी रही होती है तो डिहाइड्रेटेड हो रही होती है, तो वहां मिल्क की सप्लाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उन मदर्स को मैं कहती हूँ कि आप सौंफ की टी सारा दिन पिए. आप 1 लीटर पानी में सौंफ को, मिंट को, लेमन को बॉइल करके रख लें और ये टी आप सारा दिन पिएंगी, आपकी मिल्क की सप्लाई भी अच्छी होगी. जिस बुजुर्ग से पूछो वो कहते थे जीरा फांक, जीरा फांक लो, जीरा फांक लो, दो दो चम्मच. मैंने कहा अच्छा, मैं ज्यादा ही वो होगी ना एक्साइटेड, दो दो चम्मच मुझे जीरे का टेस्ट अच्छा लगता है. मुझे भी जीरे से क्या होता है, क्या किस तरह से थोड़ा सा ब्लैक फ्रेश फांक के लिए जस्ट फांके हैं. ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है जीरे से ज्यादा, जो एविडेंस है हमारे पास न्यूट्रिशन में वो सौंफ के. तो जीरा हम एडवाइस नहीं करते क्योंकि वो ब्लड प्रेशर एलिवेट कर जाता है. हो सकता है आपका नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं एडवाइस रहता था ना हमेशा आपका नॉर्मल रहा और आपको अच्छी एनर्जी रही जीरे से ना, क्योंकि हाइड्रेट करता है जीरा. आई थिंक इसीलिए मुझे जीरा इनफैक्ट कभी सजेस्ट भी नहीं किसी ने किया, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, बहुत ज्यादा मुझे इंड्यूस करना पड़ा, क्योंकि मुझे इंड्यूस किया था और उसके बाद भी मेरा ब्लड प्रेशर फॉर द फर्स्ट 4 वीक्स आफ्टर माय डिलीवरी बहुत हाई रहा था, तो इसलिए मुझे जीरा रेकमेंड नहीं किया. ओके अच्छा, आइए आप अब एक और टिप. जब बच्चों को खासतौर पे पहली सर्दी आती है, और पहली भी ना आए मेरे ख्याल से अब तो 8वीं सर्दी है, लेकिन मीरब को ना तो कोई भी वो जूस पी ले. मीरब का प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें सिट्रिक होता है, तो उसको फौरन सीना जो है कंजेशन शुरू हो जाता है, ठंडा हो, गर्मी हो, रूम टेम्परेचर उसको है सिट्रिक का. और जैसे जूस ताजा भी हो, जैसे अभी ताजा पी ले. कंपनी जूसेस जो होते हैं, जो डब्बे वाले होते हैं, मैं उसे मैंने कहा मीरब आपने 100 दफा अपने पे तजर्बा कर लिया, पता चल गया ना ये मेरे साथ भी है तो ये मीरब को भी होता है. तो एक तो मैंने हमेशा बताया कि मैं वो काली मिर्च का कहवा जरूर उसे, वो तो पूरा साल वो पीती है काली मिर्च का कहवा. उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता. आप 3 से 5 से 6 काली मिर्च उबालें और वो आप बच्चे को जो है वो थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट पूरे दिन में पिला दें, तो वो बहुत उससे सीना आपका जो है वो हमेशा खुला सही रहता है. और अगर ज्यादा कंजेशन होगी तो उसके लिए बड़ा अच्छा एक है कि आपने एक लौंग ली. इसके ना क्वांटिटी से बता रही हूँ कि एक लौंग, एक तेज पत्ता. तेज पत्ता आप सबके घर में ही होता है, ठीक है. पुदीना आपने थोड़ा सा ले लिया, और उसके बाद कड़ी पत्ता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक कड़ी पत्ता वो आपने ले लिया. इन सबको आपने 1 कप पानी में उबाल लिया, ठीक है. उबाल के आपने रख लिया, और बच्चा अगर फर्ज करें बहुत छोटा है तो आपने 2-2 चम्मच ना उसे यूं यूं करके पिला दिया. आप यकीन माने कि वो पॉटी के जरिए वो वॉमिट निकल जाएगा, पूरा उसका बलगम में वो निकल जाता है. तो ये अच्छा, यही चीज बड़े भी कर सकते हैं, उसमें काली मिर्च ऐड कर. आपकी इस बात से सुन के मैं माओं को एक चीज कहना चाहूंगी, मेरे बच्चा स्कूल जाता है, मैं तो अपने बच्चों की इस चीजों का बहुत ख्याल रखती हूँ, ठंडा ये वो गला कुछ. उसके जो क्लास फेलोज है उनकी माओ को कोई प्रॉब्लम है बच्चों की बलगम है, और उनकी वजह से, उनकी वजह से हमारे बच्चे बीमार होते हैं. तो इतनी केयरलेस मदर्स भी मैंने देखी है, बच्चे ठंडे पानी पी रहे हैं, गला खराब है, उनका रेशा
उनके बच्चों का को आदत हो गई है बॉडी में, तो रेशा जमा रहेगा और उनकी वजह से हमारे बच्चों को वायरल सारा वक्त उनके यूनिफॉर्म या जो भी प्री स्कूल के कपड़े होते हैं वो डर्टी हो रहे होते हैं, उनके स्नैक बॉक्स डर्टी हो रहे होते हैं, उनको फिक्र ही नहीं हो रही होती कि हाइजीन अगर नहीं रखेंगे। मैं माओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि यार अगर आपके बच्चों को बलगम वाली खांसी हो रही है और भेजने से इलाज कराओ यार, हमारे बच्चे भी बीमार हो। मैं कहती हूँ भेजने से ज्यादा उसके ऊपर थोड़ा काम भी करें, जैसे ये बड़े सिंपल से कावा मैंने आपको बनाया और ये आपने हर वक्त नहीं बनाना, आपने एक दफा बना के रख लिया, एक काली मिर्च, मैंने सब चीजें क्वांटिटी एक एक बताई है बच्चों के हिसाब से, एक तेज पत्ता, एक कड़ी पत्ता, एक लौंग, ठीक है, एक काली मिर्च, चंद पुदीने के पत्ते, इसलिए ताकि बहुत गर्माइश होती, लौंग गर्म होती है, तो पुदीना जो है उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेता है, ठीक है। ये तो जो आपने टिप बताई है घरेलू टोटका है, बहुत अच्छा है और ये बहुत अजमेरा आजमाया है, मैं इसलिए बता रही हूं। और एक्सपीरियंस जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि फ्लू शॉट्स आते हैं वो सर्दी मौसम चेंज होने से पहले आप एज डॉक्टर मैं अभी आपको रेसिपी बता देती हूं, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद नहीं जाती फ्लू शॉट्स लगवाने से, जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने बलाज को लगवाती हूं, मैं स्कूल में ही लगते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि क्या आपको नवंबर से पहले लगवाते हैं, फिर मई से पहले लगवाते हैं, जब भी मौसम चेंज होता है। तो मैंने ये नोट किया है कि जब से मैं अपने बच्चे को फ्लू शॉट्स लगवा रही हूँ उसके फ्लू या किसी और चीज की इंटेंसिटी बहुत हल्की कम हो गई, होता है और होगा सारे बच्चों को, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम मैं छोटी सी इसकी रेसिपी बताऊं कितनी आसान है। देखें हम भी यहाँ पे वर्किंग मदर्स भी हैं, सेलिब्रिटी स्क्रीन वाली मदर्स भी हैं, लेकिन हम घर में किचन में अपने बच्चों पे भी काम करते हैं और इस बात से मैं अग्री नहीं करती कि ये बात एक्सक्यूज ना दें कि बच्चा नहीं पीता, शायद हम भी खड़े रह के जबरन बच्चों को पिलाते हैं, ये सब करते हैं हम, इसीलिए हमारे बच्चे पीते हैं और हम ये टोटके भी बताते हैं और इसको सेकंड भी करते हैं। फ्लू शॉट आप अगर वायरल बच्चों को बहुत ज्यादा, बच्चे की हेल्थ इम्यूनिटी इतनी नहीं है तो आप लगवाएं, मैं इसको मना नहीं करती। स्कूल जाते हैं ना बच्चे, हम तो सही रखे बच्चे, वहां से जो लगता है ना उसको कैसे रोकेंगे। एक आसान सी रेसिपी बताती हूँ, हम सब घर में पियेंगे ना तो हम सब इस वायरस से भी बचेंगे। एक छोटा सा कैरेट लेंगे, ठीक है ना, एक इंच का जिंजर का पूरा इतना बड़ा लेंगे, इंच से भी ज्यादा लेंगे, ठीक है ना, एक लेमन लेंगे पूरा, ठीक है, एक ऑरेंज लेंगे, ठीक है, इसको हम ऑरेंज जिंजर कैरेट और लेमन लेंगे, सब मौसम में, सब मौसम में, इसको हम इसका जूस निकालेंगे, हमारे डेली बनता है, नहीं इसका कैसे निकालेंगे, इसका नेक्टर पूरा निकालेंगे, इसको पूरा ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे, इसको एप्पल वाली में नहीं निकालेंगे, स्मूदी को ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे और इसको छन्नी में छान लेंगे, इसका थोड़ा सा निकलेगा 20-30 ml निकलेगा, कड़वा भी होगा क्योंकि हमने नींबू को कैसे ब्लेंड किया कचरे के साथ, छिलके के साथ, और कैरेट को भी पूरा हल्का सा पील करके पूरा पीस किया, ब्लेंड कर लिया, और ऑरेंज ऑरेंज को भी छिलके के साथ ब्लेंड किया। नहीं, जहर नहीं होता। आप लोगों ने अमेरिका जर्मनी में ये चीज स्टोर्स में ग्रोसरी फ्रेश स्टोर में छोटी छोटी बॉटल्स देखी होगी जो कि शॉट्स के नाम से इम्यूनिटी शॉट्स मिलते हैं, ये वो बनेगा। आपने छन्नी में छाना, एक छोटा सा जैसे 30 ml 20 ml का कप होता है ना छोटा सा शॉट्स का, उसमें डाला, फैमिली टाइम किया, ट्रे में रखा और सबने रेस लगाई कि कौन पीता है, ये पिए ऑल्टरनेट डेज पे 3-4 दिन पिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सर्दी बड़े छोटे बड़े अच्छा, छोटा बच्चा कितनी एज का हो, जो 2-3 साल का भी, 2 साल का भी बच्चा है ना, उसको 2-3 चम्मच उसको पिलाए कैसे, शहद एक्टिंग करनी पड़ेगी अपने अपने ड्रामे की, वहाँ इस्तेमाल करो, चलो चलो शहद एक साथ, शहद होता है ना, थोड़ा सा शहद डाल दो, अच्छा थोड़ा सा शहद इसमें मिला दो और एक्टिंग करो, बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 1 tablespoon पिला दो। मेरा 6 साल का बच्चा है जो बहुत चलाक है, मेरा भी बहुत चलाक, सबके चलाक है, आप लोग लालच दो, कोई रिश्वत दो, कुछ तो करो बहन, बहुत कुछ तो करो, ये पिलाओ देखो, बलगम रात भी और चार चीजें मानो आदत पड़ जाए, पील पूरा, एक ऑरेंज पूरा, एक ऑरेंज लेमन पूरा, लेमन पील, कैरेट एंड जिंजर, जिंजर और इसमें 1 teaspoon आप शहद, जिंजर को भी छिलके के साथ उतार, थोड़ा सा छिलका उतार लें, बहुत मट्टी होती है, उसको अच्छी तरह धो के पील कर लें और फिर उसको चॉप करें और उसको थोड़ा सा पानी डालना हो अगर, वैसे पानी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि लेमन और ऑरेंज है ना, वो पील हो जाएगा। अच्छा ये हम छिलके के साथ तो नहीं, लेकिन ये हमारे यहाँ जर्मनी में तो अदनान का ना डेली का रूटीन है, ये अक्सर पहले भी अपने शो में बता के गए थे, वो एक दफ़ा आए थे कि डेली
डेली, क्योंकि वहाँ तो सारा साल आपको गाजर भी मिलेगी, सारा साल मिलती है, तो वो डेली हमारे यहाँ वो अदनान की ये ड्यूटी है कि वो सुबह सुबह अपना फ्रेश जूस निकाल दे तो हमें भी मिल जाता है। बिल्कुल जाहिर है, आप बीमार है तो आपकी तीमारदारियाँ करना नौकर थोड़ी है। तो वो यही सारी चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल होती हैं। इसमें बस ये एप्पल थोड़े ऐड हो जाता है, एप्पल ऐड हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो वो हम जरूर पीते हैं डेली। ये अभी भी मेरे घर की रूटीन है कि हम डेली। चल एक टिप आपने दे दी, एक टिप अभी आई नहीं इनकी बारी, मेरी मेरी टर्न है अब इनकी। जिस तरह से आपने वो टी बताई है सर्दी के लिए, उसी तरीके से, क्योंकि माय डॉटर वाज बोर्न ऑन द 30th ऑफ अक्टूबर, पैदा होते ही ठंड मौसम था एकदम से, सर्दी टिप जो है वो ब्रेक के बाद। ऑलराइट, थोड़ा सा वेट करें, अभी आ रही है इनकी टिप एक छोटे से ब्रेक के बाद। माए है ना, बस उनका बस नहीं चलता कि वो सारी बातें बता दें आपको। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, मामा खेलते हैं, एक दिन बहन बहन एक दिन मामा। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हमारी असल शक्ल नजर आ गई है, माँ वाली ना, जो अंदर से नहीं हम घर में होते हैं कि ये कर लो वो कर लो क्या करें, सो वो वाली शक्ल निकल गई। तो शर्मीन, मैंने आपको रोका था जाने से पहले, आप क्या बता रही थी? अच्छा, दो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत सिवियर साइनस इशू है, शी टेक्स इट फ्रॉम अ फादर, और वो इतना ज्यादा, आई नो दिस इज गोइंग टू साउंड वेरी स्ट्रेंज, बट व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हर, मुझे वो सेम इशू हो गया था थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे, और मैं सोचती थी कि ये मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम थी, हर वक्त नाक ब्लॉक, साइनस इतना मेरे साथ ब्लॉक्ड हर वक्त, और मैं सोचती मुझे कैसे हो गया। एंड आई किड यू नॉट, मेरी डिलीवरी जिस दिन हुई है नेक्स्ट डे I was fine. लेकिन वो पैदा होते ही हमें पता चल गया था कि मेरी बेटी को बहुत सिवियर इशू है, क्योंकि उसकी नाक हर वक्त, और आप छोटे न्यूबॉर्न बेबी को कोई दवाई नहीं दे सकते, अब तो वो नेजल ड्रॉप्स देती है, डॉक्टर ने कहा है उसकी सर्जरी होगी एट द एज ऑफ 16, लेकिन उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करें, पूरी पूरी रात उसकी नाक ब्लॉक्ड और रो रही। मुझे फिर किसी ने बताया, जो कि हेल्प्ड अ लॉट, कि एक मलमल का कपड़ा लिया, उसमें आप 2 tablespoons अजवाइन और 1 tablespoon विक्स मिक्स करके उसकी पोटली बना के उसको साइड टेबल पे रख लें, उससे उसकी ब्रीदिंग इतनी रेगुलेट हो जाती थी, वरना वो पूरी रात जो है मतलब उसको सांस ही नहीं आता था, मुंह खोल के सोती थी, फिर वो गला खराब होता था, ड्राई आउट हो जाता था। उसने बहुत ज्यादा हमें हेल्प किया। आई वुड से ये बड़ों के लिए भी कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बड़ों के लिए फिर आप यू कैन टेक मेडिकेशन आल्सो ना, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा दें, लेकिन बच्चों के लिए आप मेडिसिन नहीं यूज कर सकते, ये इतनी तकलीफ दे चीज है। आई नो कि जब आपकी, जब मुझे वो प्रॉब्लम हुई थी, अच्छा मुझे भी ये था कि प्रेगनेंसी में कोई दवाई ले नहीं सकते, यू डोंट वांट टू रिस्क इट कि आप नेजल ड्रॉप्स लें, मैं पूरी पूरी रात जागती थी नाक ब्लॉक होने की वजह से। इसने बहुत हेल्प की मेरी बेटी की, बहुत सिंपल है, 2 tablespoons अजवाइन, 1 tablespoon विक्स, मलमल का कपड़ा, पोटली बना के, आई यूज्ड टू मेक इट फ्रेश एवरी नाइट, मैं वो यूज नहीं करती थी, वरना लोग कहते हैं कि आप हफ्ते में 2 दफा भी बना लें, इट्स फाइन, बट आई यूज्ड टू मेक इट फ्रेश वन। कम हो जाती है। दूसरी बात ये, विंटर बेबी थी, फौरन सर्दियां स्टार्ट हो गई थी, तो आई डिडंट वांट टू रिस्क इट। मैंने ऑलिव ऑयल गरम करके एक छोटे से पैन में, और उसमें क्लोव्स लौंग डाल के उसको गरम करके, आप अच्छी तरीके से लौंग को गरम कर लें, उसके बाद उस ऑयल को ठंडा करें, ऑब्वियसली गरम नहीं यूज कर सकते, और उसका मसाज चेस्ट पे, बेस्ट प्रोटेक्शन है फ्लेम कंजेशन इससे बचाने के लिए। बहुत सिंपल 2 चीजें, ऑयल को गरम करके लौंग उसमें आपने हीट करनी है, उसकी खुशबू जैसी आने लगे जस्ट टर्न द स्टोव ऑफ, कूल इट डाउन, और उससे मसाज करें। और मेरे ख्याल से बच्चों को बचाने के लिए नहलाएं उनको और फौरन ये लगाएं, कवर कर दें, आपको वेस्ट तो पहनानी, बच्चे को वेस्ट तो पहनानी, जो भी माएं सुन रही हैं बच्चों को नहीं भी है तो ये आप वो प्रिकॉशन जो है, और सर ये न्यूबॉर्न बेबीज के लिए नहीं है, आपके स्कूल गोइंग किड्स भी जो हैं उनके लिए, इस वेदर के लिए ये चेस्ट के लिए बहुत अच्छी। और इस वेदर में अच्छा, ये जो साइनस वाला इशू है उसके लिए एक और चीज है, ह्यूमिडिफायर कमरों में मुझे तीसरे वाले में जाके पता चला ह्यूमिडिफायर जरूरी है। और दूसरी एसी से मैं कंटिन्यू, बड़ों के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, एसी की वजह से कमरे में ह्यूमिडिफायर, मैं बताती हूँ क्या होता है। अगर देखिए, अगर आप ह्यूमिडिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक मग्गा भर के रख ले, खुले पतीले में पानी रख ले, मैं आपको बताऊं, ह्यूमिडिफायर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें पानी डलता है और सारी रात वो पानी जो है ना हल्का सा स्टीम कमरे में बनाता रहता है, तो जो एक ड्राइनेस आपके
कोने वाले कमरे में होती है वो खत्म हो जाती है, उसको भी ह्यूमिडिफाई करके जैसा आपने कहा ना कि एक मग्गा पानी का रख दें। मैं ये करती थी कि क्योंकि उस वक्त मेरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था जब मैं मुझे खरीदना था, कोई इशू हो रहा था, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट, तो एक पतीली में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें आप, उसकी जो स्टीम हो रही होती है ना वो आप बार बार नहीं गर्म करें, लेकिन फर्स्ट आर आपको स्टीम उसकी मिल रही होगी। बिकॉज अच्छा नाइल वॉज नॉट अ विंटर बेबी, लेकिन जुलाई में पैदा हुआ था, उसको शदीद कंजेशन का मसला। आपने सरसों के तेल में क्लोव बताया, मैं क्या करती हूँ, ऑलिव ऑयल। अच्छा मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया, कटोरी में गर्म किया, उसमें थोड़ी सी हींग डाल दी, उसको ठंडा करके सीने पे रब करके रख दी, वैसी सारी बलगम मसले का हल है। नजला खांसी जुकाम बहुत हो गया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले सबसे ज्यादा एक माओ का मुकाबला होता है, उसका बच्चा इतना मोटा है, मेरा बच्चा क्यों इतना पतला है। यस मैं देखो माओ को तो छोड़े आप, आपका मियां आके आपको बोलेगा, आपका मियां आपकी सास आके बोलेगी ख्याल नहीं रखती तुम फीड नहीं सही करा रही, सही से नहीं बच्चे को संभाल रही हो, तुम्हें तो आता ही नहीं, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, देखो फलाने का मेरी बेटी के बच्चे को देखो कितना गपलू है, उसको ख्याल रखना आता है ना, ये वाले जो ताने मेरा ख्याल है इसमें ना माओ को भी, और हमेशा मुझे जर्मन डॉक्टर ने कहा था बच्चे का वेट हमेशा उतना होना चाहिए कि जिसको इमरजेंसी में तुम गोद में उठा के भाग सको, बिल्कुल वेट हमेशा उतना, अगर तुम अपने बच्चे को लेके भाग सक रही हो दैट मीन्स बच्चा हेल्दी है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा हेल्दी है, मोटे बच्चे हेल्दी नहीं होते, पहले तो हमें ये समझना है, हमारे पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट ही अलग है, अलग है ना, तो मुझे वही जैसे हमारे माँ बाप कहते थे ना जितना बच्चे की हथेली उतनी उसकी भूख होती है, तो बच्चे की हथेली से ज्यादा आप खाना कैसे दे सकते हैं उसको, फिर वो हजम ही नहीं होता, नहीं वो टिप देंगी खाने के हवाले से, मैं टिप दूंगी किसी और हवाले से, कि आप पहले खाने की कर लें, बच्चे को मोटा करना बता दें भाई, मोटा हेल्दी करना बताएं, हेल्दी क्या करूं मैं, कुछ सासों को और कुछ माओं को चाहिए उनको, ये मैंने बताया ना कि बच्चे को अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो आप बच्चे को गोद में लेके भाग सके, बच्चा उतना हेल्दी हो, अब बताएं बिल्कुल ये मैं तमाम माओं को सासों को नानियों को दादियों को यही कहूंगी कि आप जैसी है ना जैसे माँ बाप होंगे ना बच्चा वैसा ही होगा, और अगर माँ बाप अनहेल्दी मोटे हैं यानी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल ये किसी दूसरी वजह की वजह से मोटे हैं तो बच्चे को अनहेल्दी तो ना बनाए ना, और अगर माँ बाप जेनेटिकली मोटे हैं यानी कुछ ऐसे इलाके जहाँ मोटे लोग होते हैं उनके बच्चे पैदाइशी मोटे होंगे, तो बच्चा डीएनए की वजह से मोटा होता है, अदरवाइज बच्चा आपका है आपके जैसा ही होगा, ये मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था और आज मैं साइंटिफिकली ये बात प्रूव कर सकती हूँ। तो बच्चे को हेल्दी बनाएं, हेल्दी डाइट दें, माओं को परेशान ना करें कि वो बच्चों को सेरेलैक और ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि अनहेल्दी होती है बच्चों को ओवर देती है, चीनी देती है, मक्खन देती है, अजीब आलू में मक्खन मिला मिला के बिला बजे मिल रही है, जिससे मैंने भी दिया अनहेल्दी हो जाते हैं, बच्चों के लिए बेहतरीन चीज है नाम नहीं ले सकते मिल्क दे रहे होते हैं कि वो हाइट विटामिन्स की हद तक तो सही है, लेकिन विटामिन्स ये बेस्ट चीज है, ये आज तक मेरी बेटी खाती है ये वाला, मेरा भी देंगे हम अगर न्यू बॉर्न है हमारा बेटा बच्चा ये वाली देख सकते हैं जैसे 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद तो हमारे पास इतनी नेचुरल सोर्सेस हैं, अल्लाह ताला ने वो तमाम फूड में वो तमाम चीजें बनाई हुई है कि हमें ओवर सप्लीमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। साबुदाने का क्या बता रही है, साबुदाने की पीज बनाएंगे, चावल की पीज, ये बहुत बेहतरीन चीज है, इसको पानी थोड़ी देर भिगोएंगे, फूल जाए ये उबालेंगे, आपके पास अभी इस वक्त हाथ में साबुदाने साबुदाना है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर अब बच्चे की एज पे डिपेंड करता है, 6 महीने से हमने स्टार्ट किया, 1 टेबल स्पून हमने उसको भिगो दिया, थोड़ा सा ये फूलेगा, इसको हल्का सा बॉईल किया, अब इसको बॉईल करने के बाद देखें, मैं बींग अ डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि नमक और चीनी से बच्चे का टेस्ट डेवलप नहीं करना चाहिए, आप इसको सबसे ज्यादा बेस्ट चीज है बच्चों को हल्का हल्का खजूर देंगे, जब ये पक रहा होगा आप इसकी गुठली निकाल के आप इस खजूर को साथ पका देंगे, खजूर भी साथ पकती जाएगी, खजूर की मिठास
तरह से साबुदाने में आती जाएगी और इन दोनों को मैश करेंगे. अब 6 महीने के बच्चे को आपने कितना देना है, 2 टेबल स्पून खाना देना है. हाँ. तो ये 2 टेबल स्पून जितना हो जाएगा आप हल्का हल्का सा चटाएंगे. और ये ठंडा भी रखता है, ठंडा भी रखेगा. और अब देखें कि एक खजूर आ गई, 1 टेबल स्पून साबुदाना आ गया, 6 महीने के बच्चे के लिए ये 2 टेबल स्पून खाना उसकी हथेली हो गई इतनी. 6 महीने के बच्चे के लिए ये खाना कितना न्यूट्रिशियस हो गया. ये खाना आपने किया. फिर जब बच्चा 7 महीने तक का होता है या 6.5 महीने तक का होता है, फिर उसको थोड़ा सा ओट्स का दलिया, ओट्स के दलिए में आप उसको पानी में पकाएंगे, 1 टीस्पून आपने उसको शहद डाला. ठीक है, नमक उसमें नहीं डाले, चीनी नहीं डाले. पता है आपको हमारे यहाँ चीनी और नमक का बहुत पॉइंट, बिल्कुल कीड़े बच्चों को बहुत हो जाते हैं. हमें ऐसा लगता है कि कॉलिक हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं. अमरूद का छिलका और बीज निकाल के ये जो गूदा होता है ना साइड का, उसको मैश करके थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को वो चटाते हैं. बहुत भारी भारी नहीं, नहीं थोड़ा सा, एक इसका भारीपन सिर्फ इसके बीज छिलके और बीज में. आपने बीज हटा दिया और छिलका हटा दिया तो वो तो बेचारा को ये खिलाना. देखिए चीनी नहीं खिलानी बच्चों को, नमक नहीं खिलाना, तभी तो हाइपर होते हैं इतने. अच्छा चुपी रहे, वहाँ चल रहे. ऑनेस्ट ये जैसे साबुदाना के इन्होंने बताया है, मैं नायल को क्या करती थी जैसे गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि साबुदाना ठंडा होता है पेट के लिए, तो मैं उसको जो लास्ट फीड देती थी उसकी बॉटल में साबुदाना की जो वो होती है वो डाल देती थी. पेट भर जाता है तो क्या हम सर्दियों में साबुदाना देखें. अब सर्दियों में हमने कंबाइन कर दिया इसको खजूर के साथ. अब हमारे पास एक और चीज है, जौ का दलिया. इतना अच्छा होता है कि अगर मैं गंदम का दलिया इसलिए ज्यादा रेकमेंड नहीं करती क्योंकि कुछ लोगों को जैसे हमने बड़ों में सुना है ना, फुलाती है गंदम में, हमारे ग्लूटेन होता है कि जो कि सीलिएक डिजीज एक होती है कि जो कि बड़ों को भी होती है, तो वही बच्चा बड़ा होगा ना, तो मैं गंदम रेकमेंड नहीं करती, मैं ओट्स जौ रेकमेंड करती हूं. तो जौ का दलिया आप खजूर के साथ बना कर दें या जौ का दलिया आप सिंपल पानी में बना कर दें, नमक डालने की जरूरत. बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं ना तो उनकी भाग दौड़, आपका बच्चा शरारती, आपका आपके भी कहते हैं पैरों में मोच आ गई. हम बड़ों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी, तो मीरब के साथ हूँ क्योंकि स्विमिंग भी करती है और वो तो हर थोड़े दिन मम्मा पैरों में दर्द, हर वक्त तो आप पैनाडॉल नहीं दे रहे या मुख्तलिफ दवाएं तो नहीं दे रहे, तो मैंने उसकी आदत बना दी है. देखें वही वाली बात है, बच्चों के आप कैसे डिवेलप करते हैं टेस्ट, कि वो दूध में थोड़ी सी हल्दी एंड शहद मिलाया गर्म दूध में, वो अब उसको आदत हो गई है, उसको अब नहीं मिलता है ना तो वो कहती है मम्मा मुझे मजा आता है, मेरे दर्द खत्म. क्योंकि ये जितने दर्द वर्द होते हैं लेकिन इसका ताल्लुक साइकोलॉजिकली आपके यहाँ दिमाग से, आपने एक दफा सोच लिया मुझे दर्द हो रहा है, होना शुरू हो जाता है दर्द वाला दूध है ना, तो अब उसको दर्द वाले दूध का पता है. एक ही खुदा ना मेरा बेटा कहते हैं दर्द वाला दूध, खुदा ना खासा बच्चों की मोच आ गई या बड़ों के भी आ गए तो इतना बेस्ट है. ये मेरा आजमाया हुआ है, प्लीज जरूर करिएगा. बच्चों को कितना शौक होता है, प्लीज टांगे दबा दो, टांगे दबा मालिश कर दो, ग्रोइंग पेन्स भी तो हो रहे हो यार बच्चों को, ग्रोइंग पेन्स. ये बहुत मजे की चीज है कि ये मैं आपको बताती हूँ कि ये घर का सोडा, ये जो घर घर हमारे पैरों में मोच आ जाती है बच्चों के, अक्सर खेलने में मोच आ गई. अब आप पहले माँ बाप डर जाते हैं कि डॉक्टर तक पहुँचने से पहले पहले की कहानी मैं आपको बता रही हूँ. घर में सबके पास सोडा होता है और कोई खिलाने वाली चीज़ नहीं है. ये सोडा ले, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सोडा आपने लिया इस, और एक कपड़ा आपने उसी वक्त रख लिया या गरम पट्टी जो मिलती है वो रखा और रुई रख ली आपने. 1 चम्मच सोडा, 1 चम्मच हल्दी मिला के हल्का से ड्रॉप पानी 2-3 डाले जिसमें वो झाग बनना शुरू हो जाए. आपने जिस जगह पे वो चोट लगी वहां रखा, रुई रखी, पट्टी बांध दी. एक्सेलेंट. अब देखिए ना हमने कुछ खिलाया ना हमने कुछ पिलाया, आप यकीन माने. और सरसों का तेल, सॉरी मैं भूल गई, सरसों का तेल इसमें जरूर ऐड करना है. उससे क्या होता है, 1 चम्मच सोडा, 1 चम्मच हल्दी और आपने सरसों का तेल लिया है, तेल ये रखा हुआ है, ठीक है, वो आपने मिक्स करके आपने अपने बच्चे के पैर पे बांध दिया, बड़ों के भी बांधा. अब यकीन माने ऐसे मिनटों में सूजन जाती है. ये इतनी अच्छी चीज़ है और वो अपनी दर्द को भी खींच लेता है और वो भी ख़त्म हो जाती है स्वेलिंग. इसी के साथ ऐड कर दूँ, समटाइम बच्चे गर्मी में खेल रहे हैं, निकल गए नंगे पैर, नहीं सुना हमारे, मीरब ने किया ये अपने साथ, मीरब के पैर जल गए, छोटे छोटे मासूम और पता ही नहीं चल रहा उनको कि मेरे पैर जल गए, पूरे रेड हुए हुए. वो तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या हुआ, फिर मैंने अपने ग्रुप पर डाला जो हम लोग का एक ग्रुप है कि भाई ये मेरे तस्वीर खींच के ना, तो फिर अजरा जी का मुझे मैसेज आया, सादिया कुछ नहीं करें जल्दी से इसका हल्के से पाँव धुला के इस पर
ताज़ा शहद लगा दें, जो शहद एंटी आप यकीन माने मैंने शहद लगाया दो तीन दिन और मीरब के छाले तो क्या वो निशान तक खत्म हो गए। तो ये भी एक बहुत अच्छी कोई आपको इंसेक्ट बाइट कर ले ना, हाँ। आपके किसी भी बच्चे को आपको लगे कि यहाँ रैश हो रहा है या किसी इंसेक्ट, तो आपको कोई क्रीम समझ नहीं आ रही, कुछ आप शहद लें, हनी लगाएं, आप देखें ठीक हो जाए। कुछ लोग पान की पिटारी से निकाल के चूना भी लगा, हमारी अम्मी ने बहुत जहाँ मच्छर ने काटा, क्योंकि अम्मी पानदान साथ साथ होता था तो उसी वक्त चूना लगा दिया। भाई अजीब सुबह सुबह धब्बे लेके घूमे, मैंने पिंपल्स पे भी लगाया चूना, ड्राई आउट कर देता, बिल्कुल ड्राई आउट कर देता। अच्छा मैं तो चूना लगा देता हूं सही में। अच्छा मॉस्किटो बाइट्स के लिए आई फील एज अ रिपेलेंट, अगर आपको ये जो बाकी आपके मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं आप न्यू बॉर्न्स पे नहीं लगा सकते, छोटे बेबीज पे केमिकल्स हैं, कोकोनट ऑयल। अच्छा लेमन ऑयल, मैं लेमन ऑयल लगाती हूं, लेमन ऑयल। अच्छा मैंने कोकोनट ऑयल से आपका बच्चों का भी से अलग आने लगा है मॉस्किटो रिपेलेंट, वो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए भी अलग आते हैं, दूसरा अब आने लगा है। हां अब आने लगा है, पहले नहीं, अब हाथ में बच्चे के डाल देते हैं तो स्ट्रिप्स भी मिलते हैं। अच्छा आई डोंट नो कि क्या अब तो चीजें बहुत बढ़ गई ना, आ गई चीजें, कहां थी एवरी डे विद एवरी पासिंग डे इज गेटिंग इजीयर, लेकिन बैक इन द डे। अच्छा बच्चों का एक और प्रॉब्लम होता है, दांत जब निकल रहे होते हैं उसी में वो सब चीजें उठा के मुंह में डाल देते हैं, मोशन हो जाते हैं, मेरे बच्चों को तो कॉन्स्टिपेशन। यार मैं आपको बताऊं एक चीज जल्दी से, फिर सारी मांगे पहले मैं बताऊंगी, आप पहले बताएं। मुझे किसी ने बहुत अच्छी टिप दी थी, मैंने भी जुबैदा आपके साथ बहुत शोज किए, उन्होंने कहा था एक डोरी के अंदर छुआरा डाल दो, उसको डीसीड किया और उसके अंदर से वो डोरी डाली और लॉकेट बना के डाल दिया, तो बच्चे के हाथ में ना वो गिरेगा भी नहीं कहीं, बच्चे ने वो पकड़ा उसको, उसके हाथ में आया, उसको पकड़ा, मुंह में सक किया और फिर वो छोड़ दिया, तो वो उसके अंदर न्यूट्रिशन भी जाती जाएगी, उसको तो जो दांतों में मसूड़ों में खारिश है वो भी सही हो जाएगी और वो कहीं नीचे भी नहीं गिरेगा कि वो जर्म लगे। गाजर भी बहुत अच्छी चीज है, गाजर आप ना उससे दांतों की शेप बहुत अच्छी होती है, गाजर जब बच्चों के दांत निकल रहे हो, मीरब के अगर आपको बचपन में याद हो तो मीरब के बड़े मोतियों जैसे दांत थे, उसके बाद तो बच्चे को लगता है कि माँ सबसे ज्यादा झूठ बोलती है, बच्चों को आपको ना बेटे आपने मम्मा आपसे कह रही ना अपने दांत पे जबान नहीं लगानी, उन्होंने वही जबान लगानी है, ये मम्मा तो झूठ बोल रही है, हम पहले अपने पिट। अब मीरब को मैं कहती हूँ आप अपने बचपन के दांत देखे, मीरब अब अपने दांत देखे आपने कितने खराब कर लिए, बचपन में मैंने उसे सिर्फ गाजर दे के रखती थी, गाजर पकड़ के उससे उसकी शेप भी बहुत अच्छी हुई और दांत वो भी अच्छा। आप ये सब कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ बच्चे इतने बदतमीज होते हैं कि वो ये सब कुछ करने के बाद भी उनको वो जूता उठा के अपने मुंह में डालना होता है, उनको मिट्टी उठा के अपने मुंह में डालनी होती है, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट, आपको उसमें फिर आपको हार माननी पड़ती है, बस पीछे पीछे भाग। एक और है ना बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछ रही हूं, देखिए बहुत हमारे यहां ट्रेंड है बच्चों को माए टॉफियां कोल्ड ड्रिंक्स ये सब चीजें, ओह माय गॉश कोई कैलकुलेशन नहीं है, चीज लेनी है वो थैली भर के आ जाएंगे, मम्मा ने पैसे दिए चिज्जी लेनी है, मामू जाएंगे चिज्जी दिलाएंगे, अब्बू जाएंगे चिज्जी दिलाएंगे, जो चिज्जी दिलाएगा वो फेवरेट। तो ये चिज्जियों का हम क्या करें? अच्छा वो सब आपके दुश्मन है, मैं आपको इतना कहूं कि कीड़े कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो तमाम सप्लीमेंट्स चीज है ना जिससे हम अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं ये वो नहीं है, इनफैक्ट बच्चों को क्या हम बीमार की जिम्मेदारी के लिए जा रहे होते हैं और यही सारे कॉन्डिमेंट्स जिनको हम कहते हैं वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं एक बीमार इंसान है और हम बीमार इंसानों को हम डब्बा दे रहे हैं, बच्चे हम डिपार्टमेंटल स्टोर से बच्चा लाएं कि हॉस्पिटल से अपना बच्चा लाएं? मुझे तो ये समझ नहीं आया, ये चिप्स का बच्चा है ये हमारा बच्चा है? मैंने तो अपने घर वालों से ये सवाल किया कि क्या ये चिप्स के पैकेट से निकला है कि आपसे आया है? ये मेरा आप सबसे सवाल है कि आप सब ये बैठ के जरा सोचें कि क्या ये चिप्स और जूस का बच्चा है या आपका बच्चा? एंड स्पेशली सोडा मैन, डोंट गिव योर किड्स सोडा, तो ये सोचें यार, लाल पे डालना है, नॉट नाइस। मैंने तो इसको 7 अप पीने की आदत डाल दी, मैंने कहा क्यों अरे मेरे बेटे को अभी तक नहीं लगा। अच्छा फिर कुछ क्या बच्चे को हर कुछ खिलाना चाहिए, मिर्चे भी खिला दो उसके लिए ना, आपको डिनायल मोड पे आना होगा, ये गलत है। पेरेंट्स को आना होगा ना, बीइंग अ पेरेंट अगर मैं ये सोडा पी रही हूँ या मैं ये टेट्रा पैक
का जूस पी रही हूँ या चिप्स खा रही हूँ, जब मेरा बच्चा उस पैकेट में हाथ डालेगा, हॉस्पिटल में मेरे बच्चे को नहीं पता कि सोडा क्या है, चिप्स क्या है, जब तक मेरे बच्चे को घर में इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा इन चीजों का, तो कैसे पता चलेगा? तो ये होता है फैमिली। जैसा भी आपने कहा ना कि घर में रिश्तेदार आ रहे होते हैं तो उनका प्यार जताने का मकसद ये होता है कि मैं वो पैकेट लाऊं चीज का कि वो मेरा बच्चा खुश होगा, तो ये नहीं होता। आप फ्रूट्स लाएं, घर में फ्रूट्स को कैंडीज की तरह यूज करें, क्योंकि फ्रूट अल्लाह ताला की दी हुई बेस्ट कैंडी है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। बड़े गड़बड़े हो रही है, आसपास के लोग बड़ी गड़बड़े कर रहे होते हैं, गुस्सा आता है मुझे। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बहुत ज़बरदस्त जंप लगा के इधर आ चुकी हूँ और यहाँ बच्चों की बातें हो गई काफ़ी, लेकिन अब माओं की बातें भी थोड़ी कर लेते हैं। माओं को भी पर ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की। और आज मेरे साथ मेरे शो पे मौजूद हैं क्लाइव शूज़, फैशन शूज़ और स्टाइल की दुनिया का एक जाना माना नाम। क्लाइव शूज़ अपनी मुनफरिद और ख़ूबसूरत शू कलेक्शन एन एक्सेसरीज की वजह से पाकिस्तान भर में जाना माना एक नाम है। क्लाइव शूज़ पे आपको हर सीज़न में, हर मौके और हर इवेंट के हिसाब से मुख्तलिफ डिज़ाइंस और आला क्वालिटी के फैशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लाइव फैंसी कलेक्शन हो या विंटर कलेक्शन हो, क्लाइव हैंड बैग्स हो या एक्सेसरीज हो, क्लाइव परफ्यूम्स हो या मिस्ट हो, हर तरह की प्रोडक्ट्स आपको अंडर वन रूफ मिलेगी। मुख्तलिफ 23 सिटीज़ में इनके आउटलेट्स अवेलेबल हैं, 42 आउटलेट्स अवेलेबल हैं। कराची में 4 आउटलेट्स ऑपरेशनल हैं, तारिक रोड, एट्रियम मॉल सदर, केडीओ गुलशन और हैदरी में भी। सो क्लाइव शूज़ के पास विंटर की ज़बरदस्त रेंज आ चुकी है, जिसमें बहुत ही मुनफरिद प्रोडक्ट्स और रेंज के साथ साथ ट्रेंडी और कंफर्टेबल रेंज भी मौजूद है। इनकी विंटर कलेक्शन में लेडीज़ के लिए, किड्स के लिए और जेंट्स के लिए बेहतरीन वैरायटी मौजूद है। और साथ साथ आप डिजिटल शॉपिंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा www.cliveshoes.com पे और जाके ऑनलाइन ऑर्डर करें अपने मनपसंद चीज़ों को। सो फिर इंतज़ार किस बात का है, चाहे मिस्ट हो, चाहे शूज़ हो, चाहे हैंडबैग्स हो, चाहे एक्सेसरीज हो, स्टोर विज़िट करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें और बेहतरीन प्रोडक्ट्स अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ऑर्डर प्लेस करें। वैल्यू फॉर मनी, बेस्ट क्वालिटी फैशन शूज़ एंड एक्सेसरीज चाहिए हो तो क्लाइव शूज़ बेस्ट प्लेस है जाने के लिए। सो अब ये आप ख़रीदें और फिर मुझे दुआएं। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ अपनी मेहमानों की तरफ और फिर से हम फैशन के हवाले से नहीं बल्कि बच्चों के दांतों के हवाले से बात करना। हाँ अच्छा, एक और चीज़ मैंने बतानी थी, सॉरी बीच में कूद गई फिर आप लोगों के वो फिर मैं भूल जाती हूँ ना, मैं वो मेरा सुहागा होता है बच्चों के, अक्सर मसूड़े फूल जाते हैं, सूख जाते हैं ना, तो शहद में सुहागा थोड़ा सा मिला के तो वो उसकी भी अगर आप करें ना तो बहुत अच्छा होता है। मालिश नहीं करते, क्या होता है, लगा देते हैं ना सुहागा, ना एक तरह फूली हुई चीज होती है। हाँ सुहागे को आप क्या करते हैं, जब तवा होता है तवे के ऊपर सेकते हैं और उसको थोड़ा सा फुला देते हैं, तो फिर जो है उसका पाउडर पीस के पाउडर रख लें, और जब आपके बच्चे को दांतों का या तकलीफ उनको हो, मैंने रख किया आपके बच्चे को, तो उस उसको उसी वक्त ताज़ा ताज़ा शहद में मिलाया और मसूरों पे ना अपनी उंगलियों से, साफ सुथरी उंगलियों से ऐसे लगा दो। सुहागे से होगा, होता ये है कि आपके बच्चों के मसूड़े सुन हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, सुन जब सुन हो जाते हैं तो उसकी वजह से उसको वो जो पेन आ रहा होता है ना दांत निकलने का, वो महसूस नहीं हो रहा, तो आप थोड़ी थोड़ी बार भी लगा सकते हैं, मतलब जब जब कोई हार्मलेस हार्म नहीं, रियली बहुत अच्छा, यही चीज मतलब दिन में मल्टीपल टाइम्स भी आप लगा सकते हैं। ये मुझे डॉक्टर बिल्कीस ने बताया, तो मैंने बलाज के लिए किया। बड़े बच्चे भी हो जाते हैं ना तो यही सुहागा और थोड़ा सा क्लोव ऑयल
तेल में मिला के भी जब बच्चों की कैविटी बहुत ज्यादा हो रही होती है उस वक्त भी आप उनके दांतों के बीच में लगा रहे होते हैं जब दूध के दांत होते हैं बच्चों के, क्योंकि उस वक्त हम ले जाके डेंटिस्ट के पास बच्चे उनके डेंटल चेयर पे बैठते नहीं, बहुत तंग करते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और टिप भी देती हूँ, अक्सर माएँ ये कहती हैं कि बच्चों को मीठा टॉफीज चॉकलेट्स या फीडर में मीठी चीज़ें डाल के यानी एक्स्ट्रा शरबत और एक्स्ट्रा चीज़ें रात को दे के सुला देती हैं, कहती हैं बच्चे ने रात को खाना नहीं खाया था इसलिए मैंने फीडर शरबत दूध फला चीज़ डाल दी, और वो बच्चा फीडर पीते पीते जितना वो शरबत ने नुकसान नहीं किया ना उतना उस फीडर ने रात को पीते हुए बच्चा जो सो गया ना उसने उसके दांत खराब कर दिए। अब जो दूध के दांत में कीड़ा लगा है और जो माए ये समझ रही है कि ये दूध का दांत तो निकल जाएगा, लेकिन जब वो दांत एक निकल रहा होगा तो वो जो दूसरा दांत परमानेंट आ चुका होगा ना कैविटी वहाँ ट्रांसफर हो चुकी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल दें और फीडर में कोई भी मीठी चीज ना डालें। प्लीज डॉक्टर ये भी ऐड करें कि आपकी जॉ भी डिस्टर्ब होती है, माए दूध के अंदर चीनी की आदत डाल देती है बच्चों को, सबसे गलत बात चीनी डाल के देती है, फिर उसके बाद अलग अलग फ्लेवर्स कहते हैं ना फ्लेवर डाल के दो फ्लेवर डाल के दो फ्लेवर्स डाल के देते हैं और बच्चे जो है एक जमाना ये था कि मेरा बच्चा तीन तीन उसमें डाल रहा है, मैंने कहा नहीं, फिर मैंने अपने बच्चों को दूध की जो आदत डाली बगैर किसी फ्लेवर बेटी नहीं पीती व्हाइट दूध, उसको नहीं अच्छा लगता फ्लेवर, तो पीडियाश्योर डाल दो एक चम्मच पीडियाश्योर डालती नहीं, मैं आपको बता नहीं पीती वो शेक्स नहीं पीती। आप वही बात, अब मैं फिर ये कहूंगी कि चलो बड़ी हो गई, ये बात होती है स्टार्ट से छह महीने से तो हो गई ना, देखिए तो हो गई वो तो, जैसे मेरा वलाद जो है ना वो सफेद दूध नहीं पीता था, मैं इतनी परेशान कि माँ का दूध छोड़ने के बाद उसने एक साल तक दूध नहीं पिया, फिर मैं उसकी जो चीजें सब्स्टिट्यूट है मुझे डॉक्टर ने बताया उसको दही खिलाओ, बिल्कुल मैंने उसको टांगे पकड़ के जबरदस्ती करके दही खिलाई, उसको दही से नफरत हो गई, फिर मैंने अब जाहिर है कुछ तो करना था कैल्शियम से, फिर मैंने उसको चीज दी, नाई को भी मैं चीज देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को जब हम जबरदस्ती करते हैं ना, देखो माँ का दूध भी तो सफेद होता है, वो दही नहीं खाता, माँ का दूध भी तो सफेद होता है, बच्चे क्यों नहीं पियेंगे, लेकिन जब बच्चों को हम जिद करेंगे ना तो बच्चे बिल्कुल नहीं पियेंगे। और मिल्क इज नॉट ओनली द सोर्स कि वो सिर्फ मिल्क में कैल्शियम नहीं, कैल्शियम और बहुत सारी चीज से, योगर्ट से, पालक से और फ्रूट्स में इतना है, अंडों से, अंडों की सफेदी से, और कबाब में अंडे बना के बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं ना, तो आप डिफरेंट तरीके से अंडों की सफेदियां खा लेते हैं बच्चे, अंडे तो ना लेते हैं, इसकी बेटी नहीं खाती, तो बहुत डिफरेंट चीज है। जबकि मैंने बताया कितनी दफा शो पे कि माय मदर मेड शो कि टिल द एज ऑफ 16 मैं रोज एक अंडा खाऊं, क्योंकि अम्मी का बात था मेरे बेटी अंडे से हाइट नहीं करती, मेरी बेटी नहीं खाती, मैंने हर तरीका आजमा लिया, ब्राइब करके, प्यार करके, डांट के, स्ट्रिक्टनेस से, एक कुछ बच्चे होते हैं डिफिकल्ट, उनका होता है उनका रिफ्लक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अब वो वॉमिट, जैसे आप साबुदाने की बात करी थी, मैं उसके मुंह में डालती थी, वो कोई भी टेक्सचर मेरी बेटी के मुंह में जाता था वो वॉमिट करती। अच्छा मैं आपको एक और आइडिया बताऊं, करके मैंने खाने उसे दिया, अंडा रोटी खाता है बच्चा, पराठा खाता है, कुछ नहीं, आटा गूंथते हुए एक अंडा तोड़ के उसमें डाल दे, इसी तरीके से भी करना, मैंने बहुत सारी चीजें फ्रेंच टोस्ट में, आपको कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेंच टोस्ट बनाने, यानी एक ब्रेड में एक अंडा आपने डिप करके रखना पड़ेगा, बहुत टेक्निक्स करनी पड़ती है माँ को बच्चों के, आधे घंटे सोक करके रखती हूँ कि पूरा वो एग एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि वो एक स्लाइस से ज्यादा भी नहीं खाती, बहुत कम एपेटाइट है उसकी बच्ची की, मेरी बच्ची की, तो वो फिर मैं यही करती हूँ कि एक अंडा डाला, थोड़ी सी फिर शुगर भी डालनी पड़ती है मुझे टेस्ट के लिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये होता है कि अंडा तो चला गया पेट में। अच्छा एक और बहुत अहम बात, जैसे कि इन्होंने कहा इनकी बेटी नहीं खाती थी तो रोटी ये वो सब, बहुत सारी माएं अक्सर बच्चों को मैंने देखा ब्लेंड करके और मैंने देखा है 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे उनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके ये उनको चू करने की आदत नहीं रही, नहीं रही ना, तो वो मेरी दोस्त अपनी बीकर में मिला के बेटी को पिला रही है, क्या क्या पिला रही है, खाना पूरा ब्लेंडर में पूरा खाना, और वो आंसू, हाँ आंसुओं से रो रही है। अच्छा मैं आपको बताऊं क्योंकि बेटी नहीं खा रही, इसको इस ये भी बच्चों का एक डिसऑर्डर है जो कि हम माएँ ही शुरू से ही कर देती हैं, क्योंकि हम माएँ हार जाती हैं जब बच्चों की वीनिंग स्टार्ट होती है ना, तो हम उस वक्त से ही हम इतने बुरे सब्स्टिट्यूट निकाल चुकी होती हैं कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में बच्चे चले जाते हैं या ईटिंग डिसऑर्डर में चले जाते हैं। हमें
इंटेलिजेंट सिलेक्शन करने पड़ते हैं. हमें वो ब्लेंडिंग का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए उस वक्त, वरना ग्रेजुअली ये आदत इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप्ड हो जाएगी. हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें बच्चों को भूखा रखना पड़ेगा. ये ह्यूमन नेचर है, अल्लाह ताला की तरफ से ये डेवलप्ड हुआ हुआ है. भूख लगेगी, खाना खाएगा. देखो जानवरों के भी तो बच्चे हैं. आप जानवरों के बच्चों को छोड़ दें, आप हम लोगों ने वीडियोज देखी जो जैसे मेरी मेड है उसने बोला कि बाजी हमारे बच्चे तो प्लेट में एक दाना मेरी बेटी के साथ अभी तक ये प्रॉब्लम है. थोड़ा सा इरिटेड सॉलिड वो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल की एज के बाद शी स्टार्टेड चूइंग. वो भी मुझे उसे ब्लेंडेड खाना नहीं देना पड़ा. एक साल की एज तक मैंने 6 to 12 months में लेकिन अभी भी उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर उससे गले में कोई चीज इरिटेट करे या थोड़ा ज्यादा खा ले. इतना उनका उसका वीक स्टमक है कि वो फौरन थ्रो अप करती है. अच्छा, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द डाइट. आई कैन अंडरस्टैंड. जी जो मेडिकल कंडीशन होती है ना, अब जो स्टमक वीक है ना, उसके लिए हम स्टमक को ठीक करने के लिए सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन हम जो डाइट पैटर्न जो फीडिंग स्टाइल होता है ना, कभी भी उसको चेंज नहीं करते. अगर वो फीडिंग स्टाइल चेंज कर देंगे ना, तो वो आदत इतनी डेवलप हो जाएगी कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वही बात है कि क्या वो ब्लेंडेड खाना खाएगी तो वो अच्छा नहीं खाना हम उसको वही देंगे. वो एक साल के बाद हम ऐसे पेरेंट्स को और बच्चों के काउंसलिंग सेशंस करते हैं. हम उन्हें सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, आईवी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी उस जो कंडीशन को ठीक करते हैं, लेकिन खाने को कभी भी चेंज नहीं करते हैं. हम उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को ठीक कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को कहते हैं खाना ये नॉर्मल तरीके से ही जैसे बलाज सब खाता है दुनिया की माशाल्लाह कोई तंग मिर्ची नहीं खाता. मैंने उसको मिर्चों की आदत नहीं डाली. अब वो मेरे मियाँ मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि निदा नहीं हो तो छुपके से मिर्चे खिला दो उसको. मिर्चे डालेगा नहीं खाते मतलब के सालन में छुपके छुपके डालना शुरू करो. हाँ, वो पकड़ लेता है मिर्चे, मिर्चे हुई तो बिल्कुल नहीं मिर्चे खाता. मतलब के नहीं उसको मिर्चे, उसको काली मिर्चे भी नहीं अंडे में डालता. उसको उसकी पसंद की चीजों में छोटी छोटी मिर्चे जैसे मिर्चे वाले चिप्स खाता है. क्या अब ये देखें खाता है. ऐसा नहीं है कि मिर्चों से उसको प्रॉब्लम होगी. उसको वो चीजों में आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया इसलिए उसका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ. उसको मिर्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए बाय द टाइम जब वो टाइम आएगा खुद खा लेगा. जो पब्लिक वाली बात थी वो हो गई. अब हम जरा अपनी जातियात पे उतर गए हैं. हम लोगों ने अपनी जाति बातें करनी है तो यहाँ आज की सुबह हम खुदा हाफिज करते हैं. लेकिन उम्मीद है मैंने आज आप लोगों की अपनी सारी सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर हेल्प की होगी. और ये हेल्प अगर आपकी कहीं भी हुई है तो एक दुआ दे दीजिएगा प्लीज. जितने भी टिप दिए सबको ही दे दीजिएगा, इस दुआ दे दीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिए. मुझे इस वक्त आज दुआओं की बहुत जरूरत है, बता नहीं सकती. हर वक्त दुआओं की जरूरत रहती है. तो चलें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़. हाँ भैया अब हम आते हैं. Just.